आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ज्योति जगाने वाला, हर नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, वो आरती पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, हर दर्श कराने वाला। ये सुकरणी ये दुख हरणी, ये सुकरणी ये दुख हरणी, ये सुकरणी ये दुख हरणी, ये सुकरणी ये दुख हरणी। मत्सोदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती पाप से है तारती। शीतलीकरण उपरांत पुष्पै देवाद वंदनात् हरि ओम। यगनेन यगनमयजं तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः संसदेवा। सेवन्तिका बकुलजं भगपाडलब्जै पुण्यगजाति करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मञ्जरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव श्री जी बाबा महाराज की जय। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, एक भजन श्रवण करें, उपरांत कथा। आओ आओ आओ, यहाँ माइक के पास आ जाओ। सभी विराजे अपने स्थान पर शीघ्रता से, और राठी जी भजन गवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी से माइक पे आ जाएंगे।
हली हली बुला कर पकड़ू चोरी आज बुला कर पकड़ू चोरी खुश हो गए कृष्ण मुरार आसुड़ा ढलकावे कोनी खुश हो गए नंद जी रो लाल आसुड़ा ढलकावे कोनी नट गयो नंद जी रो जय जय श्री राधे।
अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम परा अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोग्नेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीगोवर्धननाथपादयुगलं हेयङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीवेक्षलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमनमनमथमोहनं नटवरं श्रीवान् कृष्णं भजे देवताबालकृष्णस्य चतुर्वर्गप्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पातु नित्यं मम श्रुतिः बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभा देश की जय पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्री जी बाबा महाराज की जय 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 श्री राधे पूरी कथा ऐसे करके नहीं करी जा सकती ऐसे करना पड़ेगा ना केवल पांच अंगुली दूर है ज्यादा दूर नहीं है थोड़ा खोलिए उपस्थित प्रभुपद प्रेमानुरागी जन परम आराध्य लाड़े लाल भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से पूज्य सदगुरुदेव के आशीर्वाद से श्रीमद भागवत भगवान की कथा श्रावण मास के पावन पर्व पर सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में सुनने के लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज ज्ञान यज्ञ का षष्ठ दिवस है। कल पंचम दिवस में ठाकुर जी के द्वारा पूतना शक्तासुर तृणाव्रत का उद्धार नामकरण माखन चोरी मृदभक्षण उखल बंधन यमलार्जुन उद्धार फल बेचने वाली के ऊपर कृपा भगवान वृंदावन पधारे वत्सासुर बकासुर घासुर का वध किया ब्रह्मा के मोह की निवृत्ति गौचारण की लीला कालीनाग नाथन दावानल का पान वर्षा शरद का वर्णन वेणु गीत की कथा कात्यायनी देवी की पूजा चीर हरण की लीला मथुरावासी गोपियों की छाक रोगी अंत में हम लोगों ने गोवर्धन लीला श्रवण करी। गोवर्धन लीला गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को भगवान की सेवा में वृद्धि प्रदान करने वाली लीला है गोवर्धन लीला। गो माने ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान बढ़ाने वाली लीला है गोवर्धन लीला। यदि हमको कभी ऐसा लगे कि हम तो ठाकुर जी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है,
या जितना जानते हैं वो पर्याप्त नहीं है और जानने की इच्छा है तो श्री गिरिराज जी में जाना चाहिए। भागम भाग में ना जाएं, थोड़ी देर गोविंद कुंड पर बैठें, थोड़ी देर सुरभि कुंड पर बैठें, थोड़ी देर उद्धव कुंड पर बैठें, थोड़ी देर राधा कृष्ण कुंड पर बैठें। जहां जहां हम बैठेंगे और वहां आसपास गैया चराने वाले, परिक्रमा करने वाले, वहां आसपास रहने वाले किसी से भी कोई भी प्रश्न कर दें श्री ठाकुर जी के बारे में, कुछ ना कुछ हमें नया जानने को मिलेगा। भगवान के बारे में जानकारी कराने वाली लीला है गोवर्धन लीला। बहुत बढ़िया कथा है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए 7 दिन तक और इंद्र के खजाने खाली हो गए, सबको कहा बाहर आ जाओ, पहले की तरह गिरिराज जी विराजमान कर दिए। इंद्र आया, पूजा करी, क्षमा मांगी, बहुत कुछ भेंट करके इंद्र चला गया। गिरिराज जी की पूजा करके सब लोग अपने अपने लौट गए। नंदगांव में, नंद भवन में सारे ग्वाल वाल आ गए, बड़े बड़े गोप आ गए और नंद बाबा से प्रश्न करने लगे, बाबा ये बालक कहां से लेकर के आए, ये कन्हैया कहां से लेकर के आए, आप लाला कहां से लाए हैं। वाह भैया, तुम्हारे इतने बालक भय, मैंने कभी पूछी कि लाला कहां से लाए हैं, लाला कहीं से लाए जाएगा। नहीं बाबा, ये साधारण बालक नहीं है। 7 दिन तक श्री गिरिराज जी धारण करना, कोई काम करता है ना तो उसके चेहरे पे तनाव आ जाता है, अरे मैं कर रहा हूं, मैं क्या क्या करूं, मैं करते करते मर जाऊं क्या। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि एक हाथ से तो गिरिराज उठा रहे हैं और दो हाथ से मुरली बजा रहे हैं। मुरली क्यों बजा रहे हैं, बोले कितना भी भारी काम करना पड़े मनोरंजन करते रहो, मुस्कुराने में फर्क ना आ जाए, हंसने में फर्क नहीं आ जाए, सिर पर कितना भी वजन हो उस वजन से हमारे चेहरे की बनावट ना बदल जाए, चेहरे पे हमेशा एवर स्माइलिंग, हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए। ग्वाल वालों की, ब्रजवासियों की रक्षा भी कर रहे हैं। पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र के रूप में इंद्र के जल का पान भी कर रहे हैं। ब्रजवासियों की सामग्री का भोग भी लगा रहे हैं और पर्वत को पूर्वत रख के ब्रजवासियों के साथ नाच भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने बतलाया, द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की पत्नी दोनों ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो। बोले हम आपको गोदी में खिलाएं, अपने हाथ से आपको भोग लगाएं, हम आपको अपने कंधे पर लेकर के डोलें, हम आपको लाड़ लड़ाएं, ऐसा वरदान दीजिए। कश्यप और अदिति ने वरदान मांगा कि आप हमारे यहाँ बेटा बनकर के आए, वो देवकी और वसुदेव बनकर के आ गए। ठाकुर जी बेटा बनकर के तो उनके यहाँ आ गए, लेकिन लाड़ लड़ाने का वरदान मांगा है द्रोण और धरा ने। ठाकुर जी घूम फिर करके इनकी गोदी में आ करके बैठ जाते हैं। श्री गिरिराज जी की पूजा करा करके इंद्र का मान मर्दन कर दिया। नंद बाबा को आदत है प्रातः 4 बजे उठना और रोज जमुना जी स्नान करने के लिए जाना। एक रात्रि में भ्रम हो गया, रात को 12 बजे आंख खुल गई और रात में ही जाकर के नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगा दी। रात में स्नान नहीं करना चाहिए, जल के देवता वरुण हैं, वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में ले गए, कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दिन निकला चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है, नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे, नंद बाबा को खोज करके लाओ। श्री कृष्ण ने ध्यान लगा करके देखा कि नंद बाबा कहां विराज रहे हैं। अच्छा, वरुण की इतनी हिम्मत, श्री ठाकुर जी वरुण लोक में पधारे,
और भगवान ने जो वरुण से कहा है वो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी छूट दे दी है ठाकुर जी ने। श्री ठाकुर जी ने कहा कि दुनिया के जितने भी नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो मेरे भक्तों पर लागू नहीं होते हैं। जैसे सवेरे का भजन पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, शाम को भजन करें तो पश्चिम की तरफ मुख करके करें, बिना आसन बिछाए भजन करने से भजन का फल पृथ्वी ले जाती है, माला को ढक करके ही भजन करना चाहिए, यदि बिना ढके हम भजन करते हैं तो भजन करने का आधा फल इंद्र ले जाता है, आधा सूर्य ले जाता है। ये सब कर्मकांड में बतलाया जाता है कैसे करना क्या नहीं करना। गणेश जी को देवी को लाल फूल चढ़ाना, विष्णु को पीला फूल चढ़ाना, शंकर जी को धतूरा चढ़ाना, उनको तुलसी नहीं चढ़ाना, उनको ये नहीं चढ़ाना, उनको वो नहीं करना। लेकिन भगवान की भक्ति में ये सारे नियम लागू नहीं है। मर्जी आए जिस दिशा में बैठ करके कीर्तन करो, दौड़ते हुए करो, चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते सोते जागते, मर्जी आए जिस अवस्था में भगवान का भजन करो। भक्तमाल में कथा आती है कि गुरुदेव ने कहा हर अवस्था में भजन करना चाहिए, और एक चेले को सच में भजन करने की आदत पड़ गई। हर समय हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नहाते धोते खाते पीते चलता रहता था। आदत ऐसी पड़ गई है कि शौच करने के लिए खेत में बैठा था, शौच करते करते कीर्तन कर रहा है, चुगलखोरों ने जाके गुरुजी से चुगली कर दी, किसको चेला बना लिया, बहुत अपवित्र है। शौच करते समय भगवान का नाम लेता है, गुरुजी ने बुलाया, बोले भाई ऐसा मत किया करो, अपवित्र अवस्था में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है गुरुजी, गलती हो गई, कल से याद रखूंगा। अगले दिन जब शौच करने गया, आदत तो भजन करने की पड़ी हुई है, फिर से भगवान का नाम लेने लगा, अचानक याद आया गुरुजी ने मना किया है, रुक जाए फिर चालू हो जाए, रुक जाए फिर चालू हो जाए, जवान रुक नहीं रही है भगवान का नाम लिए बिना, जो हाथ से जीव को पकड़ के बैठा है शौच करने के लिए। चुगलखोरों ने फिर चुगली कर दी, बोले महाराज शौच करते समय जवान पकड़ करके बैठा हुआ था, बुलाया भाई अपवित्र अवस्था में ऐसा काम क्यों करते हो, बोले महाराज भजन करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जवान रुकती नहीं है, आपकी याद आ गई इसलिए हाथ से पकड़ करके बैठा था। गुरुजी ने उसको प्रणाम किया, बोले कितने समय से हम अभ्यास कर रहे हैं, आज तक हमें ऐसा अभ्यास नहीं हुआ है कि अपने आप भगवान का नाम चलता रहे। बचपन में बाबा हमको जरा भी खाली देखते कहते चलो नाम जब शुरू कर दो, बाबा अंदर ही अंदर कर रहे ना, होठ चलने चाहिए, मुंह चलना चाहिए, दिखना चाहिए कि नाम जब चल रहा है। कभी कभी हम कहते थे कि बिना होठ हिलाए भी नाम जब हो रहा है भीतर से, बोले नहीं मुझे मालूम है अभी इतनी बढ़िया स्टेज पर नहीं पहुंचे हो, उस अवस्था में अभी नहीं पहुंचे हो कि अंदर अंदर अपने आप श्वास के साथ चलता रहे। गुरुजी ने चेले को छूट दे दी, बोले तू मर्जी आए जैसे भगवान का भजन कर पर करता रहे। श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा हे वरुण मेरे भक्त रात्रि में नहाए या सवेरे नहाए या छह महीने तक नहीं नहाए, जो मेरा भजन करते हैं उन पर दुनिया भर के ये कानून लागू नहीं होते। वरुण का मान मर्दन करके श्री नंद बाबा को लेकर के भगवान ब्रज में पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ठाकुर जी गैया चराने के लिए पधारे, एक दिन नारद जी ने आकर के प्रणाम किया, हे प्रभु आपने विभिन्न देवताओं का मान मर्दन कर दिया, अभी कामदेव बाकी है, कामदेव का भी मान मर्दन करिए। भगवान जो लीला करना चाहते हैं, नारद जी भगवान के मन के देवता हैं, उसी लीला की भूमिका बनाने में लग जाते हैं। एक दिन कामदेव सामने से आ रहा था,
नारद जी आप जान करके उसी रास्ते से जा रहे हैं। ऐसा अभिनय किया जैसे बहुत ज्यादा बुड्ढे, अपना वजन भी संभालने में नहीं आ रहा हो और आप जान करके कामदेव से टकरा गए और खुद टकरा करके खुद ही कहते हैं अरे भाई देख करके नहीं चलते हो, कौन हो? कामदेव मुस्कुराया और बोला नारद जी पहचाने नहीं, मैं जगत विजयी मकरध्वज कामदेव हूं। भाई कामदेव है केवल इतना बोल दे, अपने आप को विश्व विजयी कैसे कह रहे हो, जगत विजयी कैसे कह रहे हो? मैंने विष्णु को जीता है राम रूप में, जानकी के विरह में बहुत रुलाया, मैंने शिव को मोहनी के पीछे भगाया, मैंने ब्रह्मा को सरस्वती का अनुगमन कराया, अनेक वर्षों की तपस्या छोड़ विश्वामित्र मेनका के गुलाम हो गए। नारद जी मैंने तो आपको बंदर बनाया है, आप कैसे मुझे भूल सकते हैं? विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसे मैंने ना जीता हो। नारद जी ने कहा जब तक तुम श्री कृष्ण कन्हैया को नहीं जीत लेते तब तक हम तुमको विश्व विजयी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तुमको विश्व विजयी नहीं मानेगा। काहे कृष्ण कन्हैया बोले आजकल वृंदावन में विराज रहे हैं, भगवान गैया चरा करके आ रहे थे, कामदेव ब्रज में आ गया, अदा की बाकी झांकी देख करके प्रणाम कर बैठा, अचानक से समझा इनसे तो मैं लड़ने आया हूँ, मैं इनको प्रणाम क्यों कर रहा हूँ? ठाकुर जी बोले आओ कामदेव तुम्हारा स्वागत है, कैसे आना हुआ? एक नैया मैं आपको जीतना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ, बताइए कब लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे? ठाकुर जी ने कहा हमारे पास दो तरह की लड़ाई की व्यवस्था है, एक तो है कमरे की लड़ाई और एक है किले की लड़ाई, एक किले की लड़ाई और एक मैदान की लड़ाई। एक कमरे में अनेक गोपियों के साथ मैं बैठ जाऊं तो माओ बाण चलाओ, मेरा मन एक भी गोपी में लग जाए तो तुम जीत गए, ये किले की लड़ाई है। मैदान की लड़ाई करोड़ों गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा को महाराज करूंगा, तुम आओ बाण चलाओ, मेरा मन एक भी गोपी में लग जाए तो तुम जीत गए और एक भी गोपी में ना लगे तो मैं जीत गया। कामदेव ने शरद पूर्णिमा वाला निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी ने कहा जब मैं मुरली बजाऊंगा ना, मुरली की तान तुम्हारे कान में पड़े, समझ लेना मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ठाकुर जी महाराज लीला करने वाले हैं, कृष्णावतार की सबसे बड़ी लीला है, 6 महीने तक होने वाली लीला, और इस लीला में भगवान ने 3 देवियों की सहमति ली है, सहयोग लिया है। सबसे पहला सहयोग है श्री राधा रानी का, ठाकुर जी की आराध्या, भगवान की शक्ति, हे राधा रानी महाराज लीला करनी है आप पधारिए, राधा रानी ने स्वीकृति प्रदान करी। ठाकुर जी 3 प्रकार के रास करते हैं, नित्य रास, निकुंज रास और महारास। नित्य रास में राधा और कृष्ण दो ही रहते हैं, तीसरा कोई नहीं आता है। निकुंज रास में राधा रानी की अष्ट सखियां आती हैं, राधा रानी रहती हैं और श्री ठाकुर जी रहते हैं, और का प्रवेश नहीं है। जिन जिन की इच्छा है भगवान की है, सारूप्य सायुज्य सामीप्य पाने की, उन सबको वरदान दे रखा है कि तुम महाराज में गोपी बन करके आ जाना। ऋषि रूपा गोपियां, बहुत सारे ऋषि गोपी बन करके आ रहे हैं, ऋचा रूपा गोपियां, वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आ रही हैं, देव रूपा गोपियां, देवताओं की पत्नियां, आकाश से दर्शन करके मन में कामना करी है वो गोपी बनकर के आ रही हैं, गोप रूपी गोपियां, बहुत सारी गोपियां जो ठाकुर जी के निकटता चाहती हैं, बैकुंठ में लक्ष्मी जी की सहचरी, रामावतार में भगवान की ससुराल की गोपियां, भगवान की ननसार की गोपियां, अयोध्या की गोपियां, वामन अवतार लेते समय राजा बलि के राज्य की रमणियां जिन्होंने वामन भगवान को देखा,
मनीमन में वरदान दे दिया, बोले कृष्णावतार में गोपी बन करके आओ सब। 6 महीने की रात्रि करी, पहला सहयोग राधा रानी का, दूसरा सहयोग योग माया का। 1 रात्रि को 6 महीने की रात्रि करी। 1 महीने तक राम जन्म महोत्सव चला। रात्रि आई, बोले महाराज कोई लीला रात में नहीं करेंगे क्या? सूर्य वंश में जन्म लिया है, सारा सम्मान दिन को ही देंगे। भगवान ने कहा अगला अवतार हम चंद्र वंश में लेंगे, और 1 महीने का दिन हुआ है, रात्रि को 6 महीने की करेंगे। 6 ऋतु होती हैं, सारी ऋतु तपस्या कर रही हैं। हमारे समय में लीला करो, हमारे समय में लीला करो। भगवान ने 1-1 महीना 6 ऋतुओं का ले लिया। 3रा सहयोग भगवान ने लिया है अपनी मुरली का। भगवान की जो वंशी है ना, ये शंकर भगवान है, वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान भोलेनाथ ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले महाराज पिछले अवतार में आदि लीलाओं का दर्शन दिया, हनुमान जी बनकर के आदि लीला ही दर्शन कर पाए, कृष्णा अवतार में संपूर्ण लीलाओं का दर्शन करना है। बोले वंशी बनकर के आ जाना। हमारे ठाकुर जी पे 3 प्रकार की वंशी है। 12 महीने जो साथ में रखे हैं उसका नाम है नंदिनी नाम की वंशी। जब राधा रानी को मनाने के लिए बजाते हैं उसका नाम है आकर्षणी नाम की वंशी। और आज महाराज लीला करनी है तो ठाकुर जी ने संबोधनी नाम की वंशी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में ठाकुर जी ने मुरली बजाई। 6 ऋतु में शरद पूर्णिमा की रात्रि ही क्यों चुनी? रामावतार में पहली बार जब जानकी जी का दर्शन किया था, जानकी जी के दर्शन करने से पहले ही पायलों की आवाज सुनाई दे रही थी। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन कहत लखन राम हृदय गुण। लक्ष्मण आज तक कभी किसी की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा, आज ये क्या होने जा रहा है कि उनके पायल की झनकार को सुनकर के ही मेरा हृदय काम के प्रति आकर्षित हो रहा है। मानहु मदन दुंदवी दीनी मनसा विश्व विजय कहलीनी। श्री राम के लिए कामदेव ने शरद पूर्णिमा को ही आकर्षण किया था। भगवान ने कहा हम ही शरद पूर्णिमा को ही जीत करके दिखाएंगे। श्री ठाकुर जी ने मुरली बजाई, मुरली की तान सुन करके गोपियां भागने लगी। भागना हम भी चाहते हैं भगवान की ओर, पर 4 तरह की रुकावट रोक लेती हैं। पहली रुकावट है ग्रहाशक्ति। हाय हमारे पीछे घर कौन संभालेगा, घर में तो कोई है ही नहीं, और जब मर जाते हैं तो घर में भीतर नहीं लिया ले जाया जाता है, घर के बाहर से बाहर हिस्से में रखा जाता है। बोले बाहर की बाहर चलता हो, घर में आसक्ति होने के कारण नहीं जा पा रहे ठाकुर जी की तरफ। लौकिक धर्माशक्ति, किसी को ट्यूशन जाना है, बाई आने वाली है, दूध भरा आएगा। लौकिक धर्म है, बहुत तरह के होते हैं, शादी में जाना है, विवाह में जाना है, काम से जाना है। 3री है अर्थाशक्ति। 4थी है देहाशक्ति, शरीर के रखरखाव में हम भगवान की ओर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब गोपियों के कान में मुरली की तान पड़ी है, गोपियां 4 प्रकार की आसक्ति छोड़ करके भगवान की ओर भागने लगी। दुई हंतो विजयो काश्र दो हम हित्वा सम सुका पयोदीशित संयाव ननोद्यास्या परायो।
एक गोपी गाय का दूध निकालने के लिए बैठी, कान में पड़ गई मोहनी, छोड़ के दोहनी, ओढ़ के ओढ़नी, सोहनी कन्हैया की तरफ भागवे लगी। कोई गोपी बना रही दड़िया, कान में पड़ गई बसुरिया, बुला रहे हो सांवरिया, पटक के दरिया, ओढ़ के चुंदरिया, कन्हैया की तरफ भागवे लगी। कोई गोपी अंजन लगा रही, निरंजन को बुलावो आ गयो, एक आंख में काजल लगो, दूसरी में छोड़ दियो, चल पड़ी है। कोई गोपी बाल काल में लग रही, कंगा वालन में लगो ही लगो, चली चली जा रही है। कोई गोपी स्नान करके चुकी, लहंगा लेकर के गले में बांध लियो, ओढ़ना कमर में लपेट लियो, भाजी जा रही है। कोई गोपी गहने पहन रही, कमर की तागड़ी गले में, गले का हार हाथ में, बिछिया हाथ की उंगली में, अंगूठी पैर की उंगली में। एक गोपी घर से चली, पति देव सामने से आ गए, ए कहां जा रही है, बोले बंसी बजिए, बोले बज गई बंसी, चल सीधी घर में, भीतर करके बाहर से ताला लगा दिया। गोपी ने वही शरीर छोड़ दिया और आत्मा से ही चल पड़ी। एक उठ दोरी, एक भूल गई पोरी, एक राख भरे कोरी, सुध रही ना तन में। एक खुले बार, एक जगी अनुहार, एक भूषण उतार, चली दामनी जो घन में। एक उजियारी गोपिन ने निहारी, एक भई बोरी डोले मदन के उमंग में। उदम भयो है घरी चार ब्रज मंडल में, बांसुरी बजाय कान नाचे वृंदावन में। जो जैसी अवस्था में चली चली जा रही है। एक गोपी दही बिलोवे के लिए बैठी है, बैठी ब्रज ललना बिलोवे दही माखन जो, जोवन उमंग अंग अंग सर सावे है, ताही समय गोविंद विचार ही आए गयो, रूपन निहार छवि कभी उपमान लावे है। रई तोड़ हाणी फोड़, पति सुत दोनों छोड़, जैसे बरसाती नदी सिंधु माही धावे है। भूषण बसन तज सज के कहूं के कहूं, कहते यो चली कान बंसी बजावे। अरे कहां जा रही है, बोले बंसी बज रही है, मैं तो जा रही हूं। कुछ गोपियों ने गोपियों को जाते हुए देखा, कहां चल पड़ी हो, बाजी अकुलाई बाजी देख वे कूद्वार धाई, बाजी बोराई सुन बंसी बंसी धर की, बाजी ना धरे धीर बाजी ना संहारे चीर, बाजी के उठे पीर बिरहा अनल की। बाजी हंस बोले बाजी करत किलोले, बाजी संग लागी डोले सुध भूली घर की। बाजी कहे बाजी बाजी कहे कहां बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरे सुघर की। जो जैसे तैसे उठ धावे, चली हैं गोपियां अस्त व्यस्त, लेकिन भगवान ने योग माया को आज्ञा दे दिया, हे योग माया इन गोपियों का सुंदरतम श्रृंगार कर दीजिए। कामदेव आ चुका है, कन्हैया वन में है, गोपियां घर छोड़ करके वन में कन्हैया के पास पहुंच रही हैं। कामदेव ने देखा, आहा इतनी सुंदर गोपियां, अनेक अनेक अप्सरा इन पर नौछावर करने योग्य हैं, सच में मुझे कन्हैया को जीतने में अब ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, श्री कृष्ण को तो मैं बहुत जल्दी जीत लूंगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, यहां तो बिना लड़ाई जीतते हो रही है, ऐसी लीला रची। कामदेव चकरा गया, भगवान गोपियों का स्वागत करते हुए कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वो,
ब्रजस्यानामयं कश्चिद् भ्रूतागमन कारणम्। आओ आओ गोपियों, आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन ऐसी रात में घर छोड़ करके जंगल में किस कारण से आई हो, अपने आने का कारण बतलाओ। गोपियां सकल देख रही, बोले बंसी बजा के खुद तो बुला लिया और खुद बुला करके खुद ही कह रहे हैं क्यों आई हो, कन्हैया हम तो आपको पाने के लिए आई है। मातर पितर पुत्र भ्रातर पतयश्व विचरवंती पश्यंतो मां कृतवं बंधु साधु सम। माता पिता पुत्र भाई बंधु घर वाले तुम्हें खोज रहे होंगे, जाओ जाओ अपने अपने घर चली जाओ। एक नहीं है, हमारे तो सारे रिश्ते अब आपसे ही हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुम ही हमारे परम पति हो। दुर्भगो दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगी धनो पिवा पति स्त्री वीर नहातभ्यो लोके सुरभिर पातकी। अपना पति कोड़ी हो, कलंकी हो, दुशील हो, दुर्भाग्यशाली हो, कैसा भी क्यों ना हो, अपने पति में ही मन रखना चाहिए। हे कन्हैया, हमने तो आपको ही अपना परम पति माना है, मुझे पाना अच्छी बात है, लेकिन घर जाओ, घर जाकर के मुझे पाने के उपाय करो। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानाद मयि भावो न कीर्तनाद न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहाण। घरों में जाकर के मेरा कीर्तन करो, मेरी कथा सुनो, मेरा ध्यान करो, मंदिरों में जा जा करके मेरे दर्शन करो, यहां से चली जाओ। वाह, किसी आदमी के पास 2 करोड़ रुपया है, कोई सलाहकार आता है, 5-6 करोड़ का लोन ले लो, 7-8 करोड़ की फैक्ट्री लगा दो, क्यों? बहुत बड़ा उद्योग चल पड़ेगा, फिर खूब आमदनी होगी, फिर खाना पीना मौज करना बोले खूब कर ली, और पैसा कमाना, फिर बैठ करके भजन करना बोले वो तो मैं करने के लिए अभी 2 करोड़ भी तैयार हूं। आज जो स्थिति है उसमें ही प्रसन्न है, फिर काहे को इतना जंजाल किया जाए। एक नैया, आज आप हमारे सामने खड़े हैं, आपको तो छोड़ करके चली जाए और घर जा करके फिर आपको ही पाने का उपाय करें। इत विप्रिय मां कर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम। गोविंद का ये भाषण गोपियों को अप्रिय लगा, सबने मनी मन में सलाह कर ली, आज कन्हैया की बात नहीं माननी है। निगाह नीची कर ली, आंखों से आंसू बहने लगे और अपने चरणों के अंगूठा के नाखून से धरती को कुरेदने लगी। मनी मन में ठाकुर जी से कह रही हैं, मैवं विमोहित भवान् गति तुम निशंसम संत्यस्य सर्व विषयान् स्वपाद मूलम भक्त्वा वजस्व दुर्वग्रह माति जास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। संसार में ऐसा कौन होगा जो एक बार आपकी कथा सुन ले, एक बार आपके दर्शन कर ले और आपका नाम हो जाए। हम यदि आपकी हो गई हैं, हमारा यदि समर्पण आपके चरणों में है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कमी यत्पाप्य पत्य सुहेदामन व्यक्ति रंग स्त्री नाम स्वधर्म इति धर्म विदाम प्रयोक्त अस्पेवमेव दुपदेश पदे तो ईशे प्रेष्टो भवान सुनवृतम किल बंधुरात्मा। आज आप हमको हमारा धर्म सिखा रहे हो गणिया, और आप ये भी कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ छाड़ करके मेरी तरफ आ जाओ। आज तो हम सब छोड़ छाड़ करके ही आ गई हैं, लौट करके नहीं जाएंगी। चित्तम सुखेन भवताप हृदम गृहेशो यन्निर्विशत्कृत कराप अपेकैह करते पादौ पदम न तलतस्तव पादमूलात्
यामा कथम ब्रजमतो करवाम किम्बा। यदि आपने जबरदस्ती हमें घर पर भेज भी दिया तो घर में केवल शरीर होगा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी गतिमति सब आपके ही पास रहेगी। यदि पागल करके घर भेजना है तो अब आपकी मर्जी। श्री यत् पदाम्बुज रजश्चक मेदुलस्या लब्धापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम यस्यास वीक्षण कृतेन सुर प्रयास तदव वयम चदव पादरज प्रपन्ना। हमें मालूम है एक बार श्री लक्ष्मी जी को तुलसी जी से ईर्ष्या हो गई थी। लक्ष्मी जी ने सोचा मैं तो हमेशा चरण दबाती रहती हूँ और ये तुलसी सीधा इनके वक्षस्थल पर, सीधा मस्तक पर कहीं भी चढ़ जाती है। हमें मालूम है लक्ष्मी जी रूठ गई थी, आपको उन्हें मनाना पड़ा था, लेकिन हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। आप किसी के साथ लीला करो, किसी के साथ रास रचाओ, हम तो आपके दर्शन ही करने में आनंदित होती रहती हैं। हमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, हमें आपका दर्शन करने दीजिए। नंद लाल सो मेरो मन मान्यो कहा करे गो कोई री हो तो चरण कमल लपटानी जो भावे सो री। गृहपति मात पिता मोहि त्रासत हसत बटाऊ लोगरी अब तो जिए ऐसी बन आवे विधि न रचो है संजोगरी। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो कहा करे गो कोई री जो मेरो यह लोक जाएगो और परलोक न सायरी। नंद नदन को तो न छाड़ो मिलूंगी निशान बजायरी। नंद लाल सो मेरो मन मानो कहा करे गो कोई री यह तन बोरो नहीं पहिए वल्लभ वेश मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो बारी। नंद लाल सो मेरो मन मानो कहा करे गो कोई री। गोपियां मनी मन में रो रही हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बहती हुई कामदेव ने देख ली। अरे मैंने किससे लड़ाई ठान ली, ये कन्हैया तो एकदम ग्वारिया है, गंवार है, ये प्रेम करना जानता ही नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर गोपियां सामने उपस्थित हैं, बजाय उनसे प्रेमालाप करने के लिए जाओ 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 पीछे पड़ा हुआ है उनके। मैंने ये गैया चराने वाले ग्वारिया से युद्ध ठान करके बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान कामदेव के मन की बात जान गए, ठाकुर जी ने लीला बदल दी और खड़े होकर के गोपियों से बोले आओ आओ चलो गोपियों रास लीला करते हैं। हाथ बड़ा बड़ा करके गोपियों को खींचने लगे, पकड़ पकड़ करके घुमाने लगे, इतना आनंद आने लगा। कामदेव ने देखा ये बहुत अच्छा मौका है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरो निविष्ट नाल मन नरमन का कृपा तई शिल्यावलोक सदैव सुंदरीणाम उत्तम भयन लतिपतिम रमयांशकार। झुंड बना करके गोपियों के साथ ठाकुर जी नाचने लगे। कामदेव ने अपना बाण चला दिया, बाण का असर श्री कृष्ण पर ना हो करके गोपियों पर हो गया।
तासाम तत सौभगमदं भीक्षमानं च केशव। आहा, दुनिया जिनको पाने के लिए अनेक अनेक उपाय करती है, वो कृष्ण कन्हैया हमारे साथ नाच रहे हैं। लगता है हमसे ज्यादा विश्व में कोई भाग्यशाली है ही नहीं। गोपियां मानवती हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियां पछाड़ खा करके गिर पड़ी। हे कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण करती हुई झुंड बना बना करके दसों दिशाओं में ठाकुर जी को खोजने लगी। अंतरहिते भगवती सैव ब्रजांगना अतप्यंतन मतक चाणा करिण्या इव यूथपम। सुधबुद खो बैठी। यह भी होश नहीं है किससे पूछा जाए और किससे ना पूछा जाए। लता पताका वृक्षों से जो रास्ते में मिल जाए उसी से श्री कृष्ण का पता पूछने लगे। आम का पेड़ दिखाई दे गया। अरे भैया आम, भैया बाको बलराम, नैना विराम शोभा को धाम, हमारो प्यारो श्याम, कहीं तेने देखो होई तो बतियो। अरियो बेला वो नंद को छेला, दे गयो ढकेला, फिर रहो अकेला, कहीं तेने कृष्ण कन्हैया देखो होई तो बतियो। अरियो तुलसी तू वाई के प्रेम में हुलसी, कहीं तेने नंद को लाला देखो होई तो बतियो। ठाकुर जी राधा रानी के कुंज में विराज रहे हैं। अनेक प्रकार के पुष्प ला करके राधा रानी की चोटी गूथ रहे हैं। चार फूल लगा देते गूथ करके, बड़ा शीशा सामने और छोटा शीशा पीछे लगा करके दिखाते, देखो राधा रानी मेरी जैसी चोटी कोई नहीं गूथ सकता है। हे कृष्ण, हा कृष्ण, करती करती गोपियां सेवा कुंज के निकट आ गई। ठाकुर जी बोले गोपियां आ रही हैं, चलो अपन कहीं और चलें। आज राधा रानी को अभिमान आ गया, कितनी गोपियां इनको पाना चाहती हैं और ये मुझे पाना चाहते हैं, लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। कांटो लगो मेरे पैर में, मार्ग चलो नहीं जाते हैं। एक कन्हैया मैं चल नहीं पा रही हूं। कोई बात नहीं, ततस्त एव मुक्त प्रिया माह स्कंदम मारवीयताम इति। आओ आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ठाकुर जी धरती में बैठे, राधा रानी ने जो चरण उठाया कंधे पर रखने के लिए, ततश्चांतर हे कृष्ण सवधूरण्य तप्यता। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी विरह सागर में डूबने लगी। आनाथ रमण प्रेष्ट क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते द्रम कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधम। गोपियां आ गई, चारों तरफ से घेर लिया। आपको भी छोड़ गए, बड़े लवार हैं, बहुत धोखेबाज हैं, बहुत छलियां हैं, प्रेम करना तो जानते ही नहीं है। जो गोपियां चार बात कहने लगी, राधा रानी ने रोक दिया। सखीरी उनको दोष नहीं, मैं अभिमान की हो अपने मन तासो जात रही। सखीरी उनको दोष नहीं, आओ चलो उनके लिए खोजे। तन मनस्का तदालाप तद्विदेष्टा तदात्मिका तदगुणान एव गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मरु। पुकारने लगी, कीर्तन करने लगी, लीला करने लगी। कोई पूतना, कोई यशोदा, कोई ग्वालवाल, कोई गोपियां, कोई गैया बन गई। तरह तरह से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। कहीं कोई गलती हो जाए, वो बताने के लिए आ जाए तो उनके दर्शन हो जाएंगे। ठाकुर जी नहीं आए। पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता।
श्री राधा रानी सबको लेकर के यमुना जी के किनारे आ गई। यहाँ पुकारेंगे क्यों? जब कोई भगवान की ओर जाना चाहता है तो यमुना जी उसकी सहायता करती हैं। सकल सिद्ध हेतु मुदा, ये सूर्य की कन्या बड़ी परोपकारी है। ये नहीं कि हमारे पति हैं तो उनको कोई नहीं पाए, कोई उन तक नहीं जाए, कोई उनकी तरफ देखे नहीं, कोई उनसे बात नहीं करे, ना ना। यमुना जी तो परोपकारी हैं। कोई भी श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, वृक्ष चौरासी कोष की यात्रा यमुना स्नान करके प्रारंभ करी जाती है। पहले यमुना जी का पूजन करते हैं। हे यमुने, श्री ठाकुर जी में हमारी आसक्ति बढ़ती रहे, ठाकुर जी में प्रेम हमारा बढ़ता रहे। यमुना जी का भाई है यमराज और दोनों में एग्रीमेंट है, यो यमुना जी में स्नान करेंगे वो यमलोक में नहीं जाएंगे। जो यमुना यमुना कहेंगे, यमुना जी का जयकारा, आचमन, छींटा, स्नान, प्रणाम कुछ भी कर लेंगे, वो यमलोक में नहीं जाएंगे। गोपियां गोपी गीत गाने लगी, अलग अलग भावना से बुला रही हैं ठाकुर जी। जयति तेजिकम ब्रजा शयती निरा शशदी जयति दृश्यताम दीक्षुताविका त्वयिता सव स्वाम विचिन्वते। आपके जन्म लेने से ब्रज की जय अधिक हो गई है। लक्ष्मी जी आकर के यहाँ चारों तरफ बिखर गई हैं। हम दसों दिशाओं में आपको ढूंढ रही हैं। हे कन्हैया, आप हमें दर्शन दीजिए। शरद उदासये साधु जात सद सरस जोदरा श्री मुषादृशा सुरथ नाथ ते अशुल्क दासिका भरत विघ्न तो बधा। शरद पूर्णिमा की उजाली रात बहुत सुंदर, तरह तरह के सरोवर बहुत सुंदर, खिले हुए फूल बहुत सुंदर, लेकिन आपके बिना हमारे लिए सब बेकार है। हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। कन्हैया, आपने दर्शन नहीं दिया तो हम मर जाएंगी, ये हमारा पद होगा आपके द्वारा। विष जला पिला प्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदान लात वृषमयात्मजात विश्व तो भयात ऋषभ देवयों रक्षिता। आपकी शोभा हमको मारने में नहीं है, बचाने में है। आपने कई बार बचाया है। काली के जहर से, तृणावर्त की आंधी से, इंद्र की वर्षा से, दावानल अग्नि से आपने कई कई बार हमारी रक्षा करी है। क्या आज हमें दर्शन देकर के रक्षा नहीं करोगे? नखले गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म त्रग निखन साक्षितो विश्व गुप्त ये सख उदयवान सातताम बोले। आप केवल नंद जी के बेटा या यादव, कोई मनुष्य या कोई ब्रज के लड़का नहीं हो। आप सर्व सामर्थवान ईश्वर हो। बड़े घरों में जो जन्म लेते हैं समाज में उनकी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे हमें बिलखते हुए छोड़ जाना, ये आपको शोभा नहीं देता है। कहीं वृचता भयम विष्णु दुर्गते श्याम संसतेर भयाद कर सरोरोहम कांत कामदम सरस देहन श्री कर क्रम। आप जिस पर हाथ धर देते उसकी मुक्ति हो जाती। एक बार आकर के अपना सिंहस्थ हमारे माथे पर रख दीजिए। कोई गोपी कह रही है अपने चरण छुपा दो, कोई गोपी कह रही है हम नंद भवन में आते तुमको गोदी में उछालते। कभी हमने तुम्हारे चरण अपनी छाती पर नहीं लगाए। हम जानती थी कि हमारी छाती कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, लेकिन आज उन्हीं चरणों से आप वृंदावन में भागे भागे फिर रहे हो। भागो मत बिहारी, बीमार पड़ जाओगे। कोई गोपी बोली मधुर आ गया भलो वाक्या बधमनो क्या पुष्कर क्षण विद करीर माँ वीर मुहती रदर्शी धुना प्याये अश्वना। एक बार अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी पानी ही हमको सुना दो।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्पशापहम सर्वमंगलम सीमदाततम भविगणन्तते भूरिदा जना। हे कन्हैया आपकी कथा बहुत सुंदर, और जो लोग कथा आपकी सुनाते हैं उनके तो आनंद ही आनंद है। ते जना भूरिदा बड़े भाग्यशाली हैं, हमें भी कुछ सुनाया जाए। प्रेषितम प्रिय प्रेम वीक्षणम भेड़े ध्यान मंगलम, आपकी जो मुस्कुराहट है वो कल्याण करने वाली है। एक बार अपना मुस्कुराता हुआ मुखारविंद ही हमें तुरंत दर्शन करा दो। तरह तरह से भगवान से अनुनय विनय करने लगी, अंत में पूर्ण समर्पण कर दिया। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहस्तनीषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्विथतेन किंसिद् कुरुपादिभिर्भ्रमतिर्भवदायुषां न। एक नियाम तो आपकी थी आपकी है और जन्म जन्म आपकी ही रहेंगी। जैसे ही समर्पण किया गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे गोपियों मैं थक गया हूँ, बैठने की व्यवस्था करो। एक गोपी ने अपनी ओढ़नी उतारी और चार दे करके बिछा दी। महाराज विराजिए, लेकिन आप थक कैसे गए? बोले सफाई करते करते थक गए। कन्हैया जी कहाँ की सफाई कर रहे थे? आप लोगों के मन में जो अभिमान रूपी गंदगी आ गई है मैं उसे साफ करने में लगा हुआ था। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, क्यों रहीम कैसे निभे दोई खड़क एक म्यान। दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, इसी प्रकार अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। अब आप लोगों का अभिमान चला गया, अब मैं आपके साथ हूं। गोपियों को विश्वास नहीं हो रहा है, ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं। कोई हाथ हिला के देख रही है, कोई भगवान की माला छू के देख रही है, कोई पीताम्बर को खींच के देख रही है, कोई चरण को छू के देख रही है, कोई भगवान के माथे पर लगा हुआ चंदन निकाल करके थोड़ा खा के थोड़ा लगा के देख रही है, कोई परिक्रमा दे रही है, कोई भगवान की काचनी खींच रही है। तरह तरह से गोपियों को भाव आ रहा है भगवान के प्रति। ठाकुर जी जान गए जितनी गोपियां उतने रूप धारण करे, और बहुत जोर का महाराज होने लगा। कामदेव चक्कर खा गया, लड़ने आए थे एक कृष्ण से, यहाँ तो गिनती करना ही संभव नहीं है, प्रणाम करके चला गया। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। परीक्षित ने कहा महाराज एक बात नहीं जमती। कौन सी? सकथा धर्म से तू नाम भक्ता करता विरक्षता। जो धर्म की स्थापना के लिए धर्म के वक्ता बन करके आए हैं वो दूसरों की पत्नियों के साथ नाचते हैं, क्या ये ठीक है? प्रतीप माचर ब्रह्मन पर दारा विमर्शनम। सुखदेव जी का राजा अच्छी बात नहीं बोली। गोपियों के साथ नाचने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई नंद जी का लाला या कोई ब्रज का लड़का। मनुष्य मात्र की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि इतने रूप धारण कर सके। छह महीने तक लगातार नाचना केवल ईश्वर का ही साहस है। ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्येव स एव ईश्वर। जो करने योग्य कार्य को और नहीं करने योग्य कार्य को दोनों को ही आनंद से करने में सामर्थ्यवान है उनका नाम ईश्वर है। अभिमानी लोग कहते तो हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारी डायरी में संभव नाम का कोई शब्द नहीं है। एक मास्टर जी भी ऐसे ही कहा करते थे बच्चों से, कोई काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बच्चों ने ये कोलगेट होता है ना पेस्ट, ट्यूब निकाल करके पूरी कटोरी में खाली कर दी। बोले मास्टर जी इसको दोबारा से ट्यूब में डाल के दिखाओ, मालूम पड़ जाएगा पॉसिबल है कि नहीं। हम लोग हर काम नहीं कर सकते, हर काम बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते, और जो सारे कामों को नाचते गाते
पल भर में क्षण भर में मर्जी आए जैसे करने में सामर्थ्यवान है वो ईश्वर है। जो महाराज लीला को कहेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे गाएंगे उन्हें दो प्रकार के लाभ होंगे। पहला लाभ बोले भगवान की लीलाओं में रति होगी, दूसरा लाभ बोले हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। घर में कोई यदि बीमार हो तो भागवत जी दशम स्कंद 29 से लेकर के 33 तक 5 अध्यायों का पाठ किया जाए। संस्कृत पढ़नी नहीं आती हिंदी में ही पढ़ लिया जाए तो हृदय का रोग नहीं होगा। विक्रीडितम रजवदोभिरदम च विष्णु सिद्धान्वितो न शृणुया यद वर्णयेदि भक्तिम परां भगवती प्रतिलभ्य कामम इद रोगमाशपहिनोत चिरेण धीर। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। महाराज करने के बाद भगवान ने अपनी कुलदेवी की पूजा कराने के लिए सिर के दर्द का बहाना किया और यशोदा जी अपने परिवार को लेकर के अंबिका वन में श्री कृष्ण बलराम को लेकर कुलदेवी की पूजा करने पधारी। किसी भी देवी देवता का पूजन किया जाए इष्ट देव हमारे श्री कृष्ण ही रहने चाहिए। एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोभिर्ण नडयुक्त प्रियुस्ते अंबिका वनम। एक सांप ने पांव पकड़ा, भगवान ने चरण लगाए, वो सुदर्शन था जो दुनिया में दोष देखने के कारण अष्टावक्र ऋषि के श्राप से सर्प बन गया। भगवान ने चरण स्पर्श तो कराए लेकिन शिक्षा दी जीवन में कभी किसी का परिहास मत करना। गोप्य कृष्ण वनम याते तमन द्रुत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्नर दुखेन वासरान। गोपियां घरों में झुंड बना करके वन में गए हुए से कृष्ण की याद करती कृष्ण लीला गाने लग जाता। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भूअधरार्पित वेणुम कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप ईरयति यत्र मुकुंद यत्र मुकुंद। वही गोपियों का ध्यान चला जाता। कंस ने अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेज दिया, विशाल विजार का रूप साण का रूप धारण करके आया है। कमापतंतम सनगय्य संगयो पदा समाक्रम निपात्य भूतले निष्पीटियामास यतर्दमंबरम कृत्वा वशाने न जगान सोपतत। भगवान ने पकड़ के सींग घुमा करके मार डाला। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसायाथाह भगवान नारदो देव दर्शनो। अरिष्टासुर के मरने के बाद नारद जी कंस के यहां पधारे। जय श्री मन्नारायण, जय शंकर की। आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कंस आज हम जो खबर देने वाले हैं तुमको वो जीवन में कोई नहीं दे पाएगा। क्या खबर है? ये कृष्ण बलराम कौन के बेटा हैं जानते हो? दुनिया जानती है नंद बाबा यशोदा के हैं। नहीं, यही खबर तो हम आज देने आए हैं। यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्णमेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विभ्यता। ये जो कृष्ण कन्हैया है ये देवकी की आठवीं संतान है। तुम्हारे हाथ से जो देवी वो यशोदा जी की कन्या थी और ये बलराम है ये रोहिणी का बेटा है। दोनों के दोनों तुम्हारे भांजे हैं। याद करो वो आकाशवाणी, आठवीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी। ये आठवीं संतान यही कृष्ण है। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। हम अभी देवकी वसुदेव को बुला करके मौत के घाट उतार देंगे। नारद जी बोला देवकी वसुदेव को मारने से कोई काम नहीं बनने वाला। नारद जी महाराज इतनी बढ़िया भूमिका बना करके लाए हैं। बोले कंस आज ऐसी योजना बनाएंगे दुनिया देखती रह जाएगी। क्या योजना?
तुम्हारे पास शल तो शल चार और मुष्टक बड़े बड़े पहलवान हैं। विश्व के पहलवानों को मल्ल युद्ध करने के लिए बुलवाओ, वर्ल्ड कप का आयोजन करो, इसे देखने के लिए दुनिया के राजा महाराजाओं को बुलवाओ, मथुरापुरी को सजवाओ, कृष्ण बलराम को भी बुलवाना। तुम्हारे पास भगवान शंकर का धनुष है, उसे उठाने के लिए कहना, धनुष के नीचे दब जाएंगे। 10,000 हाथी की ताकत वाला कुबलिया पीड़ हाथी है, उसे छोड़ देना, उन दोनों के ऊपर कुचल करके काम तमाम कर देगा। यदि बच गए तो बड़े बड़े पहलवान कुश्ती के बहाने काम कर देंगे। और फिर तुम्हारी भुजाओं में कोई बल कम थोड़ी है, इतने बड़े मेले में उनका झमेला करके रख देना, दुनिया कहेगी कंस कितना बुद्धिमान था, अपनी मृत्यु को अपने घर बुला करके समाप्त कर डाला। कंस बोला सारे काम हो जाएंगे, एक ही काम कठिन है, कौन सा? उन दोनों को बुलाने कौन जाएगा? क्यों? बोले जो बुलाने जाता है वो तो वहीं रह जाता है, लौट के तो कोई आता ही नहीं है। नारद जी आप चले जाओ। ना ना भैया, सलाह दे सकते हैं, सहयोग नहीं दे सकते। तुम्हारे जो रक्षा मंत्री है ना अक्रूर, ये कृष्ण के चाचा लगते हैं। योजना बनने लगी, मंत्रियों को बुला लिया, नारद जी चले गए। बहुत जोरदार मथुरापुरी की सजावट होने लगी, देश देशांतर के राजा महाराजा पहलवान बुलाए जा रहे हैं। केशी नाम का दैत्य आया और बोला महाराज मैं मार के आता हूँ, घोड़े का रूप धारण करके गया, भगवान ने मुख में भुजा प्रवेश करा के पटक के मार डाला। सारी तैयारियां हो गई हैं, तब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर कल तुम्हें कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए जाना है। अक्रूर ने सोचा नहीं जाऊंगा तो ये मार डालेगा, जाऊंगा कंस का दूत समझ करके वो मार डालेंगे, मरना तो निश्चय ही है, इस दुष्ट के हाथ से मरेंगे तो नरक में जाएंगे, श्री ठाकुर जी के हाथ से कम सदगति तो प्राप्त हो जाएगी, मैं कल जरूर जाऊंगा। पूरी रात्रि नींद नहीं आ रही है प्रसन्नता के कारण। ममई तद दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम, आह कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने वाले हैं जो कल मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा। सवेरे नहाए धोए रथ में बैठे चल पड़े, ठाकुर जी की याद आ गई, बेहोश हो गए, गिर पड़े, रथ रुक गया, फिर होश आया, फिर रथ आगे चलाया। रिक्षामि नूनं सुखपोलनाशिकम् स्मितावलोकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्। मुखम् मुकुन्दस्य गुडालिकावृतम् प्रदक्षिणम् एव चरन्त वैमगा। भगवान की तरफ जाना है तो श्री अक्रूर जी से या विभीषण जी से सीखें, जाएं चिंतन करते हुए। दो तरह का दर्शन होता है, भागे भागे गए, पंचामृत लिया, घंटा बजाया, परिक्रमा करी, आंख बंद करके मांगा, दौड़ करके चले आए। किसी ने पूछा कहां से आ रहे हो, बोले मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा जी, भगवान ने कौन से कलर की पोशाक पहनी? ये नहीं देखा, भागे भागे गए, दौड़े दौड़े आ गए। ये क्रियात्मक दर्शन है, आना जाना चले आना। फलात्मक दर्शन कैसे करें? जाए तो चिंतन करते हुए, पहुंच जाए तो टकटकी लगा करके दर्शन करें। किसी पुराण में नहीं लग रहा कि भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो जाओ, वहां तो देखना चाहिए कैसा मुकुट, कैसे कुंडल, कैसी मालाएं हैं, कैसे वस्त्र हैं, कैसा दुपट्टा है, चरणों में कैसी पाजेब धारण कर रखी है, कमर में कोंदनी कैसी है। मैं तो ये देखूं तू मोय देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और हो जाए एक। लौट करके आए तो भगवान को याद करते हुए आए कि ऐसा दर्शन था, ऐसे वस्तु थे, हृदय में छवि जम जाएगी, हमेशा के लिए जम जाएगी। कृष्ण बलराम गैया चरा करके लौट रहे थे, अक्रूर जी महाराज ने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, पात चरण पांते दंडवत राम कृष्ण यो। श्री भगवान ने प्रणाम किया, काका जी मथुरा में सब ठीक हैं?
नहीं महाराज, जब तक दुष्ट कंस जीवित है तब तक मथुरा वासियों की कुशल पूछना बेकार ही है। काका जी कल हम आपके साथ मथुरा चलेंगे, ब्रजवासी रोकेंगे, हो सकता है कालिया भी दें अपशब्द कहें, आपको हमारी लीलाओं में सहयोग करना है। पूरे रास्ते योजना बनाते बनाते नंद भवन में पहुंच गए। श्री नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, कैसे आना हुआ? बोले बहुत बड़ा मल्लयुद्ध हो रहा है, दुनिया को बुलाने को केवल पत्र भेजे, आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है। वाह, अब की बार कंस ने इतना सम्मान दिया है तो हम जरूर चलेंगे। जा रहे मनसुखा डुगडुगी पीटिया, कृष्ण बलराम कल मथुरा जाएंगे, जिनको भी चलना हो चले। भगवान बोले मैया आज हम काका जी के पास अतिथि भवन में सो जाएं। हाँ बेटा सो जाओ। पूरी रात योजना बनती रही, गोपियां पूरी रात सोई नहीं है, विधाता ब्रह्मा को कोसती रही। अहो विधाता स्तव न कुचे दया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना, कांशा कृतार्था विवनंश पार्थकों, विक्रीडितं देर्वक चेष्टितं यथा। अरे ओ विधाता, यदि तुम्हें मालूम था कि एक दिन ये हमें छोड़ करके चले जाएंगे, काय को इनके चरणों में इतना प्रेम कराया। नानंद सुनो क्षण भंग सौहृद, समीक्षते ना स्वकृता दुराव, देहाय गेहा स्वजनां सुतां पतिं, हमने पतियों को पति नहीं समझा, बालकों को बालक नहीं समझा, घरवार छोड़ करके भाग भाग करके इनके दर्शन किया करती थी। कल ये चले जाएंगे तो कौन के दर्शन करेंगी। रात रोते रोते बीत गई, सवेरे प्रातः काल नंद भवन में यशोदा जी ठाकुर जी को जगाने के लिए जा रही हैं। कृष्ण बलराम तैयार होकर के महलों में उतर रहे हैं। अरे कन्हैया, रोज हिलाए हिलाए के जगा जगाए के हार जाती, जग जा कट जा, आज तो बड़ी जल्दी तैयार है वो कहावत है। मैया हम काका जी के साथ मथुरा जा रहे हैं, वो मथुरा कंचन की नगरी, तुम दो दोनों ग्वार गमारे, सूर श्याम प्रभु तुम लड़का हो, तुम का देखे मल्ल अखारे। बड़े बड़े पहलवान आएंगे, वहां बच्चों का कोई काम नहीं है। दाऊ तू या कन्हैया के लिए समझा। दाऊ जी ने चरण पकड़ लिए, मैया हमारो कहो सुनो, माफ कर दियो, हम दोनों ही भैया काका जी के साथ जा रहे हैं। आंगन में आ गए, नंद बाबा बैठे, चलो रे छुराओ भैया चरावे जाओ। दोनों भैया प्रणाम करके कह दिए, अब नंद गाय ले समार, दूध दही हम बहुत ही गायो, भैया चराई दिन चार, हम तुम्हारे आने प्रकटे बहुत कीनी रार, सूर शाम प्रभु चले मधुपुरी कपट कागज फार। बाबा हम दोनों जने जा रहे हैं, प्रणाम करके सीधे रथ में आकर के बैठ गए। नंद बाबा दीवार के सहारे टिके के टिके रह गए। अरे ओ बुढ़ापे की लकड़िया, यदि छोड़ के ही जानो तो इतनो सुख क्यों दियो, इतनो प्रेम क्यों दियो। ग्वालवाल आ गए, गोपियां आ गई, चारों तरफ से घेर लिया। कहां जा रहे हो कन्हैया? मनसुखा सीतामा, मथुरा में हमारे मामा जी हैं, बहुत बड़ा कोई आयोजन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी लौट करके आ जाएंगे। काका जी रथ आगे बढ़ाओ। जो रथ आगे बढ़ा, ग्वालवाल एक दूसरे के सहारे, कोई अपनी लाठी के सहारे, कोई वृक्ष के सहारे, कोई दीवार के सहारे टिके रह गए। गोपियां कृष्ण 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 हरे कन्हैया हरे कन्हैया करती रह गई। एक गोपी को देर में मालूम पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई, ओरे कन्हैया ओ श्याम सुंदर। दूसरी गोपी बोली, सखी आवाज लगाने से कोई फायदा नहीं, कन्हैया तो मथुरा गए हैं,
मथुरा गए और मिलकर के भी नहीं गए, बता करके भी नहीं, बोल के भी नहीं। नहीं सखी शाम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी शाम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। मैं तो समझी थी जीवन दाता है, मैं तो समझी थी जीवन दाता है, मेरे जीवन के भाग्य विधाता है, मेरे जीवन के भाग्य विधाता है। ना जाने क्यों मुंह मोड़ने के लिए चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। ना जाने क्यों मुंह मोड़ निकले चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी शाम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी शाम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। मैं मथुरा नगरी आ जाऊंगी, मैं मथुरा नगरी आ जाऊंगी, जाके वापस यहाँ पर लाऊंगी, जाके वापस यहाँ पर लाऊंगी। पूछूंगी क्यों दिल तोड़ने के लिए चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। पूछूंगी क्यों दिल तोड़ने के लिए चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी शाम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी शाम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। ब्रजवासियों का प्रेम देख करके श्री अक्रूर जी के हृदय में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया। श्री ठाकुर जी ने यमुना जी में स्नान कराकर बैकुंठ में अपने विराट रूप का दर्शन कराया, श्री अक्रूर जी का भाव परिवर्तन कर दिया। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के पधारे, सबको लेकर के मथुरा में विराजे। सर्व सोने की बनी द्वारिका, मथुरा की छवि नाही। ग्वाल बाल बोले कन्हैया मथुरापुरी बढ़िया सजाई गई है, हमारो भी घूमबे को देखबे को मन कर रहे है। श्री नंद बाबा की आज्ञा लेकर के भगवान मथुरापुरी घूमबे के लिए पधारे गए। मथुरा वासियों को मालूम पड़ा, आहा कृष्ण कन्हैया पधार रहे हैं। एरी सकी ओरी सकी, अब तक जिनकी लीलाओं को सुनते रहते थे, साक्षात श्री कृष्ण बलराम पधार रहे हैं। दौड़ पड़े लोग बाग दर्शन करने के लिए। कृष्ण बलदेव मधुपुरी आए, घर घर मंगल होत बधाए, गोपिन मोतिन चौक पुराए, कंसा के घर के घबराए। खिड़की में छत पे छज्जे पे, अटारी में झांकी में झरोका में, चबूतरा पर जहां जगह मिल रही है वहीं झुंड के झुंड भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तेरी तरफ सब देख रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा। तेरे कपड़ा तो बड़े चमकीले हैं, हमारे बड़े गंदे हैं। कहीं से बढ़िया कपड़ा पहनाओ। सामने से कंस का धोबी आ रहा था, भगवान ने रास्ता रोक लिया। धोबी जी ये कपड़े हमारे ग्वाल बालों के लिए दे दो। धोबी में अकड़ बहुत है, जानते हो ये किसके कपड़े हैं? धर्म खंडन बाप मंडन महाराज आधिराज भोजराज महाराज कंस के कपड़े हैं। भगवान बोले आप जो इतना लंबा नाम ले रहे हो ना, ये हमारे मामा जी होते हैं और हमने बड़े बूढ़ों से सुन रखा है, मामा के उतरे कपड़े अगर भांजे पहने तो उनकी उम्र बढ़ती है, लाओ ये कपड़ा हमें दे दो अभी या बाद में। बोले कल कल की बात है, फिर तो चले ही जाएंगे।
कपड़ा उठाया, कपड़े कूदने का डंडा उठाया भगवान को मारने के लिए। ठाकुर जी ने एक झपाड़ा दिया, गर्दन टूट करके गिर पड़ी। चलो भैया पोटली खोलो, कपड़ा पहनो। कंस का शरीर 15 फुट लंबा चौड़ा और ग्वाल बाल छोटे छोटे पतले दुबले। जो पोटली खोली बड़े बड़े कपड़ा देखे, कन्हैया ये पहनवे के कपड़ा नहीं है, तो ये तो कई टेंट हाउस को सामान मालूम पड़ रहे हो। खोलो खोलो जल्दी निकालो। सबसे ऊपर कंस का चूड़ीदार पाजामा, मनसुखा के ऊपर चढ़ गए सीतामा और मधुमंगल के ऊपर चढ़ गए सुदामा। जो खोला बोले कन्हैया ये पहनने के कपड़ा नहीं है, तो ये तो कहीं को स्वागत द्वार मालूम पड़ रहे हो। भैया ये पहनने के कपड़ा है, का नाम है कन्हैया या कपड़ा को, या को नाम है पजम्मा। मनसुखा बोलो हे मेरी अम्मा इतना बड़ो पजम्मा पहली बार देखो है, एक पांचे में तू आ जा और एक पांचे में मधुमंगल तू आ जा, संग में नाड़ो बांध लेंगे जो मेला में खोएंगे भी नहीं। कई लोग कुर्ता में घुस गए, कई लोग जामा में, कई पजामा में। अब भगवान के दर्शन करें तो आनंद आए और ग्वाल वालों को देखें तो हंसी छूट जाए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया हमें देख करके मथुरा वाले हंस रहे हैं। भगवान बोले तुम भी हंसो। बोले कहां थे हंसे, आगे वाले के कपड़े पे पीछे वाले का पांव पड़ जाए, आगे वाला धड़ाम से आ पड़े, हाथ पैर तो टूट गए। वायक नाम के दर्जी के गए, काट छांट कर सबको बढ़िया कपड़ा पहना डाले। ठाकुर जी ने भक्ति प्रदान करी। सुदामा नाम के माली के गए, सबको माला पहना दी, भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान करी। कन्हैया एक कमी रह गई, सूना माथा कसाईयों जैसा अच्छा नहीं लगता। सामने से कुबड़ी सर्वांग सुंदर, एक ही कमी है कुबड़ है। सोने की थाली में रोली चावल, लाल चंदन पीला चंदन काला चंदन महावर मेहंदी गंगा शीशा सलाई सिंदूर सब सामान लेकर के आ रही है। ठाकुर जी ने रास्ता रोक लिया, थाली आगे बढ़ा दी। मुफत को चंदन घिसे मेरे नंदन सब लगा दिया। भगवान ने एक चरण रखा इसके पैरों पे और एक हाथ लगाया पीठ पे। जोर को दियो झटका है गई सूदी सटका, मिट गए जन्म जन्म के खटका। देख रही मदन मोहन के रूप को लटका, पकड़ लियो श्याम सुंदर को पटका। बोले महाराज हमारे यहाँ पधारो, पहले काका जी से मिलने फिर आएंगे। श्री ठाकुर जी पधारे, नंद बाबा से बोले बाबा कल सवेरे आप लोग जल्दी चले जाना, हम दोनों जरा देर से आएंगे, कल कुश्ती में भाग लेना है। कृष्ण बलराम चले, सबसे पहले शंकर भगवान का धनुष रखा हुआ है, आओ 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 आपका स्वागत है, इसे कोई तोड़ नहीं पाया, आप तोड़ करके दिखाओ। भगवान बोले दाऊ भैया इतने काम हमने कर दिए, एक आध काम आप देख लो, धनुष तोड़ दो। दाऊ जी बोले अच्छा बेटा जा धनुष से तोड़ के घरवाली मिल रही, वो तो तेने तोड़ने नहीं दिया, और ये फालतू के धनुष को हमसे तोड़वा रहे हो, इसे भी तुम ही देख लो। बाएं हाथ से उठाया, दाएं हाथ से प्रत्यंचा खेची और तोड़ डाला। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। आगे चले दरवाजे पे, कुबलिया भी हाथी मिल गया। खूब समझाए, महावत नहीं माने, दाऊ जी को क्रोध आ गया। सूण पकड़ ली दाऊ जी ने, पूंछ पकड़ ली कहीं कन्हैया ने, घुमा फिरा करके पटका, सूण मरोड़ करके दोनों हाथी के दांत निकाल लिए। नंद मेर के ढोटा, हाथी दांत के सोटा लेकर के कंस के रण प्रांगण में आ गए। बहुत लोग बैठे हैं वहां पर और सबको भगवान का अलग अलग दर्शन हो रहा है। मल्ला राम शरणाम नर्मण स्मरो, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम सजनो सदाम सिद्धभुजाम शास्ता सपित्रो शिशो मृत्यु भोज पदे विराट विदुषाम दत्तम परम योगिनाम वृष्णी नाम पर देव देव विदितो रंगम गतस्साक्षज। बड़े बड़े पहलवानों को लगा कि कोई पहलवान आ रहा है, स्त्रियों को लगा कामदेव आ रहे हैं, ग्वाल वालों को लगा हमारा मित्र आ रहा है, नंद बाबा को लगा हमारा लाला आ रहा है, कंस ने देखा तो लगा कोई सामने से काल आ रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी।
बड़े बड़े पहलवानों को भगवान ने आपस में ही भिड़ा करके समाप्त कर डाला। पहलवानों के मरते ही कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। दाऊ जी बोले, ये ऊपर से चिल्ला रहे हैं, ये कौन है? भगवान बोले, यही तो मामा जी हैं, इनका इलाज बोले केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। दाऊ जी के चरण छू करके भगवान ने छलांग लगाई, सीधे मचान पर पहुंच गए। कंस का मुकुट गिर पड़ा, पंखा करने वाले, चमड़ ढुलाने वाले सामान पटक करके भागने लगे। कंस ने कहा जाते हो? बोले गॉड ब्लेस यू, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अभी तो यहां से भागने में भला ही है। बाल पकड़ करके कंस को खींच लिया। कंस, एक दिन तुमने मेरी माँ के बाल पकड़ करके ऐसा ही खींचा था। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है पर भोगने में परतंत्र है। तुमने मेरे भाइयों की भी उठा उठा करके पटका था, ये काम और बराबर किए देता हूं। प्रगय केशेषु जलत किरीटम निपात रंगो भरतम न मंचात तस्योपरिष्टा स्वयं अब्जना वपात विश्वास आत्मतंत्रम। पकड़ के बाल जोर से उठा करके पटका, ठाकुर जी उसकी छाती पर आकर के कूदे। कंस के प्राण श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गए। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, धुंध भी बजने लगी। आप लोग ताली ही बजा दो, बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। कंस के आठ भाई बदला लेने के लिए आए, दाऊ जी महाराज ने सबको सुलटा करके रख दिया। दो पत्नियां हैं, दोनों रो रही हैं। हा नाथ प्रिय धर्म किया करुणा नाथ बस। जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी था उसको धर्म के कह करके रोने लगी। भगवान ने अपने नाना नानी के बंधन खोले, माता पिता के बंधन खोले, मधुर वचन बोल करके ब्रजवासियों को विदा किया। चाहते तो खुद राजा बन सकते नहीं, नाना नानी को राजा बनाया। माता पिता की आज्ञा लेकर के अवंतिकापुरी उज्जैन में पढ़ने के लिए पधारे। गुरु गृह गए पढ़न अधुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। 64 दिन केवल विद्यालय में रहे और 64 कला ग्रहण कर ली। उनको पढ़ना जरूरी नहीं है, वो पढ़े पढ़ाए हैं, केवल हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। बिना पढ़े जीवन जानवर जैसा है, पढ़ना चाहिए। स्कूल में ही पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते हैं, अपन घर में रह करके भी, बुढ़ापे में भी, किसी भी अवस्था में भी, किसी भी आयु में भी, किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। लक्ष्मण दौड़ करके जाओ, रावण मर रहा है, जाकर के कुछ सीख के आओ। क्या सीखूं? बोले जो सिखा दे सो सीख लो। लक्ष्मण गए, रावण कुछ सिखाओ, नहीं सिखाना। लौट करके आए, महाराज आपने कहा था सीखने जाओ, वो कुछ सिखा नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा खड़े हुए? बोले सिर की तरफ। बोले इसलिए नहीं सिखाया, जिससे सीखना हो उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए। अब की बार लक्ष्मण गए रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए, तब रावण ने जो दिव्य ज्ञान दिया है वही दिव्य ज्ञान लक्ष्मण जी ने मथुरा जाते समय शत्रुघ्न कुमार को दिया कि तुम अपना अलग नगर बसाने जा रहे हो। लवणासुर नाम के राक्षस को मार करके श्री शत्रुघ्न कुमार ने मथुरा का पुनर्स्थापन किया। वही ज्ञान जो रावण से श्री लक्ष्मण जी को मिला था, श्री लक्ष्मण जी से शत्रुघ्न कुमार को मिला था, उसी ज्ञान का आनंद लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुदेव ने कहा मेरा बेटा मर गया, मेरा मरा हुआ बेटा जीवित करके लाकर दो। सर्व सामर्थवान ईश्वर नरक में पधारे और यमराज से कहा कि जाओ जाकर के गुरु का बेटा लाकर के दो। कन्हैया आपने हमको केवल दंड देना सिखाया है, जिंदा करना नहीं सिखाया है। आपका नियम है जब व्यक्ति मर जाता है तब उसको ला करके उसके पाप और पुण्य देख के स्वर्ग नरक में ले जाया जाता है, लेकिन जिंदा करना हमको नहीं सिखाया। जीवित करने का, जन्म देने का काम विधाता का है, ब्रह्मा का है। भगवान ने अपनी सामर्थ्य से गुरुपुत्र को जीवित किया।
गुरु माता गुरु को लाकर के भेंट किया। भगवान मथुरा में पधारे, 10 वर्ष ठाकुर जी मथुरा में विराजे हैं। 11.5 वर्ष गोकुल और वृंदावन संपूर्ण ब्रज में, 10 वर्ष मथुरा में, 21.5 वर्ष के पधारे हैं द्वारिका, और 25 वर्ष की आयु में रुक्मणी जी से प्रथम विवाह हुआ है। 35 वर्ष की आयु तक 10 वर्ष में ठाकुर जी ने 16,108 विवाह संपन्न किए। 10 साल जब ब्रज में रहे, मथुरा में रहे, श्री मथुराधीश प्रभु क्या किया हमें नहीं मालूम, क्योंकि कथाओं में नहीं सुनाया जाता है। इसलिए बाकी महाभारत युद्ध की तैयारी, सबसे बड़ा काम कि 17 बार युद्ध किया जरासंध से, कहां कहां राक्षस इकट्ठे हैं, कहां कहां धर्म को कैसे हानि पहुंचाई जाती है, सारी योजना मथुरा में बैठकर के बनाई है। सारे काम करते हैं, लेकिन जब कभी एकांत में होते हैं, ब्रज की याद आ जाती है, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। एक बार उनके मित्र उद्धव जी ने श्री ठाकुर जी को देख लिया। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमा। यादवों के प्रधानमंत्री हैं, रिश्ते में श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के भक्त हैं, ठाकुर जी का उनके प्रति मित्र भाव है, उद्धव का ठाकुर जी के प्रति मृत्य भाव है, सख्य भाव है। एक दिन उद्धव भगवान के कक्ष में पधारे, देखा ठाकुर जी के आंखों से आंसू बह रहे। तमाह भगवान प्रेष्टम भक्त में एकांतनम क्वचित, हे प्रभु यहां कोई व्यवस्था में कमी है, या कोई वस्तु की आवश्यकता है, या किसी के द्वारा कोई अपराध बन गया है, आप किस कारण से इतने दुखी हो रहे हैं। गृहीत्वा पाणिनां पाणि प्रपन्नार्दे हरो हरि गच्छोद्धव व्रजं सौम्यं पितरौ नो पीतमावह गोपीनां मदवियोगाधिम संदेशै विमोचय। जी मेरो घबड़ावे याद मोए आवे वृंदावन की, हे उद्धव मेरे बिना यशोदा मैया दही विलो पाती होगी कि नहीं। नंद बाबा लाला लाला कहकर के कौन को पुकारते होंगे, ग्वाल बाल गैया चराने जाते होंगे या नहीं। सबसे ज्यादा वो गोपियां एक पल मेरे बिना व्यतीत नहीं कर सकती, वो कैसे रह रही होंगी। एक बार तुम चले जाओ ब्रज में और वहां जाकर के सबको अच्छे वचन बोलना, कहना मैं विभिन्न कार्यों में व्यस्त हो गया हूं, लेकिन मैं आप सभी को भूला नहीं हूं, ना ब्रज को भूला हूं, ना ब्रजवासियों को भूला हूं, जैसे ही समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो को न मुख धोवे ताते जल अचरा पहुंच न पावे, माखन मिश्री को नाम न जाने कनुआ कह के कोई ना भुलावे। उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। अपना जैसा श्रृंगार किया, जिस रथ में आए उसी में बिठाया, उद्धव जी को विदा किया। जैसे ही उद्धव जी ब्रज में पहुंचे हैं, ब्रज की दशा देख करके हैरान रह गए। वृक्षों की लता पता गांवों पर बैठे, डालियों पर बैठे, तोता मैना चिड़िया रो रहे हैं, मुड़ेलों पर शिखरों पर बैठे बंदर रो रहे हैं, गायों के आंसू तो दूर से ही दिख रहे हैं।
कोई ग्वारिया बीच सड़क पर लाठी पर ठोड़ी टेके हुए खड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं मिलूंगा कन्हैया से। कोई गोपी अपनी अटारी में ऐसे ही बैठी हुई है, हवा से पेड़ की डाली भी हिल जाए तो सबके सब चौकन्ने हो जाते हैं, कहीं कन्हैया तो नहीं आ गए। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ठगे भई से ठाड़े। ऐसा लगता है कि कन्हैया केवल नंद घर से नहीं, हर घर से चले गए। रत्नंद भवन के दरवाजे पर रोका, लोग दौड़ पड़े, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। नंद बाबा को जाकर के प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। कौन? मैं हूं कन्हैया को मित्र उद्धव। आहा, जादना ते कन्हैया गयो, आज पहली बार कोई बाको नाम लेवे वारो आया है। मेरो लाला ठीक तो है? बोले हाँ ठीक है। अंदर जाकर के यशोदा जी को प्रणाम किया, मैया आज दही बिलो करके लाला के लिए माखन भिजवाना चाह रही है मथुरा। जब रही बिलोती मैया तो कन्हैया बगल में आकर के नाचने लग जाता है। एड़ी के बल रही की घरर घरर, ठाकुर जी के पायजेब की छनन छनन, एक साथ बजती तो बड़ा आनंद आता। अब नाचने वाला नहीं है तो रही भी चल करके नहीं दे रही है, रही भी जाम हो गई। मैया वा मटका के सहारे ही अटकी पड़ी है। उद्धव जी ने आकर के प्रणाम किया, कौन? रोते रोते आंखों की ज्योति भी चली गई है। मैया मैं हूं उद्धव, आप यशोदा जी हैं ना? हाँ हूं तो सही। पड़ी मझधार भरी पापन के भार, नहीं बल्ली पतवार वह टूटी सी नैया हूं। तरवर बिन पात जामे बिहंग ना बिरमात, सूनी मावस की रात तामे भोर की तरैया हूं। ने कहूं ना डरे हो जाय देव की से लरे हो, धीर कैसे के धरे हो बिना बछड़ा की गैया हूं। अप जस जग ले है तो मेरो कहां कर ले है कोई, अरे कौन रोक ले गो मैं कन्हैया की मैया हूं। उद्धव जी ने मन में सोचा कि ये सब लोग प्रेम में रो रहे हैं, थोड़ा इनको ज्ञान दे दिया जाए तो इनका ये रोना धोना बंद हो जाएगा। आओ आओ ब्रजवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं श्री कृष्ण के बारे में। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयो, नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। आप लोग जिनके लिए रो रहे हो ना, ना कोई उनका पिता है ना कोई उनकी माता है, वो अजन्मा है, निराकार है, निश्चेष्ट है, अव्यक्त है, अलौकिक है, अखंडानंद है, अप्रमेय है, उनका जन्म नहीं होता है, उनको कोई कर्म लिंपायमान नहीं होता है, वो तो कभी भी किसी रूप में कहां भी कहीं भी आ जा सकते हैं। मैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उनकी माँ नहीं है, दिन भर हरी मैया हो री मैया कहा मैया मैया ही मैया कहकर के आगे पीछे घूमो कर दो। नंद बाबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कोई उनका पिता नहीं है। बाबा बोले मैं उनका पिता हूं। गोपियां तो वहां से उठ करके चल दी, कहां जा रही है गोपियों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, ऊधो हमें ज्ञान की चर्चा ना सुनाना। चली गई सब उठ कर, ग्वालवाल चले गए। पूरी रात नंद बाबा यशोदा को उपदेश देते रहे। सवेरा हुआ, जमुना जी नहाने के लिए गए, लौट करके आ रहे थे। गोपियों ने उद्धव को चारों तरफ से घेर लिया। आज भी वृंदावन में ये जगह है ज्ञान गुदड़ी, देखते हैं आज उद्धव में कितना ज्ञान है। उद्धव, संसार में कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो अपना काम मंदी, जो हमारे काम आया उसे फिर याद नहीं करते हैं।
पढ़ने के बाद विद्यार्थी गुरु को भूल जाते हैं। रीत विद्या आचार्यम ऋतुजो दत्त दक्षिणाम, यजमान यज्ञ करा करके आचार्य को भूल जाता है। निस्तंत जनगण का अकल्पम नृपति प्रजा, जिस राज्य में हम ठहरे थे वहां से चल दिए तो हम बाकी राजा को याद नहीं करते। कामी लोग भोगने के बाद स्त्री को याद नहीं रखते। जिस पेड़ पर फल आना बंद हो जाता है पक्षी उसे भूल जाते हैं। जिस तालाब में पानी सूख जाता है पशु उसे भूल जाते हैं। जब तक गाय दूध देती है लोग घर में पालते हैं, दूध देना बंद से घर से बाहर त्याग देते हैं। हो सकता है शायद हम जब तक उसके कोई काम की रही होंगी वो हमारे बीच में रहे, अब शायद हम श्याम सुंदर के कोई काम की नहीं इसलिए छोड़ करके चले गए हैं। डांटने लगी गोपियां तभी राधा रानी ने रोक दिया, ये तो डांकिया है, संदेश देने आया है, दूत है, इससे कुछ नहीं कहना चाहिए। कहेंगी नहीं तो मन की भाप कैसे निकलेगी। एक भौरा राधा रानी के चरणों को कमल समझ करके मटराने लगा, उसकी भुनन भुनन सुन करके गोपियों का ध्यान उसकी तरफ गया। भौरे को ही माध्यम बना करके अपने मन की बात उद्धव से कहने लगी। इसका नाम है भ्रमर गीत। चार गीत हैं और चार प्रकार का विरह है। पलकांतर विरह, आसपास हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पलकांतर विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया। देहांतर विरह है, सामने पर हम उनको छू नहीं सकते, दूर रहना पड़ रहा है मर्यादा के कारण, गोपियों ने वेणु गीत गाया। ठाकुर जी वन में चले गए, गोपियां घर छोड़ करके वन में नहीं जा सकती, गोपियों ने युगल गीत गाया वनांतर विरह में। अब है देशांतर विरह, यहां नहीं है, मथुरा चले गए हैं, गोपियां अब भी गाने लगी। मधुपकित बंधो माशांधि सपत्निया, कुछ विललित माला कुंकुम अश्वभिर्नो, बहेत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम यद सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीन्द्रक। अरे ओ भौरा, तुम में और तुम्हारे मित्र में बड़ी समानता है, तुम भी काले वो भी काला, तुम भी कली कली का रस चाटते फिरते हो, वो भी इधर उधर भटकता फिरता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो केवल बाहर से ही काले हो, तुम्हारा वो कपटी श्याम सुंदर भीतर से भी काला है। विजय सक सकी नाम गीयताम तद प्रसंग छपत गुजर रस्ते कल्पयंतिष्ठमिष्टा। बहुत छलिया है, लवार है, धोखेबाज है। उद्धव तुम यो भी कह सकते हो कि जब वो इतने खराब हैं तो क्यों याद कर रही हो उनकी, उनको छोड़ क्यों नहीं देती। ऐसे के पाले पड़ी घर की रही न घाट की, ऊदो दूजे चढ़ सके चूल्हे हंडी काट की। एक जने के घर में आग लग गई, सब कुछ जल करके राख हो गया, सवेरे से शाम हो गई बुझाते बुझाते, शाम को भूख लगी, बोले चलो चूल्हा बनाओ फिर आग लगाओ, भोजन बनाना है, अब आग लगाने को कुछ भी नहीं। पड़ोसन के यहाँ गई, बोले थोड़ी सी आग दे दे, चूल्हे तक ले जानी है। अरे बहन, जिस आग ने तुम्हारा घर जला डाला उसे ही मांगने के लिए आ गई, बोले इसके बिना रहना संभव नहीं है। इसी प्रकार कितने भी कष्ट उठाने पड़े हम कन्हैया के बिना रहना हमारा संभव नहीं है। तुम क्या सोचते हो उद्धव, हम उसे जानती नहीं है, हम जानती हैं। वृक्षों के पीछे छुप करके बाण मार करके उसने बाली के प्राण ले लिए थे, आज वो मथुरा में छुप करके हमारे प्राण ले रहे हैं। बले बबे मले मत्वान वेष्ट ढुंग सकई दुष्ट जन दुर्गदार था। छल करने की आदत बुरा पुरानी है। बामन रूप धारण करके बलि के यहाँ पहुंच गए, मांगते समय बामन अंगुल के ओ नापते समय क्या रूप बढ़ाया है। छलिया तो बहुत पहले से है, झूठे भी बहुत हैं तुम्हारे कन्हैया,
हमने पूछा कब आएंगे कन्हैया, कब आओगे? बड़े प्यार से कान में कह गए, बस आज गए और परसों वापस आए। परसों की गयो कह के घर सो, बीती परसों ना भई परसों, मन में बिथा तन पीरो भयो, सरसों सी करी बैरन परसों, मन की अब बात मन में ही रही, निज भाव कहूं कैसे परसों, जिय में आवत उड़ जाए मिलूं, पर कैसे उड़ू मैं बिना परसों, ऊधो जिला ब्रज में हरि को कर जोड़ पाव तेरे परसों, परसों की गयो कह के घर सो, बीती बरसों ना भई परसों। हे उद्धव, पता नहीं वो परसों कब आएगी। अभिवत मधुर्याम आर्य पुत्रो धनास्ते स्मृत प्रतिगे हान सौम्य बंधु शोपान कुछ कथा ना किंकरीणाम गणीते भुज मुगुर सुगंधम मूर्धनास्य कदा। वो तुम्हारे आर्य पुत्र मथुरा में रह करके प्रसन्न तो है ना, शायद हम हजारों गोपियां मिलकर के जो सुख नहीं दे पाई, जो सुख अकेली कुब्जा वहां पर उनको दे रही है। उबड़ा व्यक्ति झुक करके चलता है और हिंदी में दा लिखा जाए ना दा दबा, तो थोड़ा दा का पीछे की तरफ पीठ निकलती है कुबड़े की तरह। जो हमें सो जानती निज प्रीतम को ने है, दासी निज दासी करी जाकी दासी दे। हम उसे बुला नहीं पा रही हूं तो हे गोपियो तुम लोग जाप करो। उद्धव हमारे श्वासों में ही कृष्ण कृष्ण निकलता रहता है। तुम लोग यज्ञ करो, यज्ञ में तो आहुतियां गिन करके चढ़ाई जाती हैं, तो दिन भर जाने कितने समर्पण की आहुति चढ़ती ही रहती है, दिन भर यज्ञ चलता रहता है। हे गोपियो तुम लोग स्वाध्याय करो, गीता भागवत रामायण पढ़ो। कोई भी देवता को प्रणाम करें हमें तो गणेश में भी कन्हैया दिखते हैं, हनुमान में भी कन्हैया दिखते हैं, शंकर जी में भी कन्हैया दिखते हैं। सुयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखाव या मादा या गतो भद्रा अहम भरतो रहस्कर। गोपियों का दिव्य प्रेम देख करके उद्धव का बोलना बंद हो गया। ज्ञान बजाई दुन्दुभी प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के वो। चरणों में गिर पड़े उद्धव धन्य है। हे गोपियों मैं आपको प्रणाम करता हूं, अब मैं जा रहा हूं। जा रहे हो? ठहरो, हमारा एक पत्र ले जाओ, ले जाकर के कन्हैया को दे दो। यशोदा मैया ने माखन भिजवाया कि माखन दे देना, कह देना तुम्हारी धाय ने भेजा है। ग्वाल वालों ने कहा, बोले कहना एक बार गैया उनको, ग्वाल वालों को देखने ही आ जाएं कि उसके बिना जी रहे हैं कि मर रहे हैं। गोपियों ने एक ओढ़नी घड़ी करके पकड़ा दी। उद्धव ये हमारा पत्र है, श्री कृष्ण को दे देना। ये कैसा पत्र है, क्या लिखा है इस पर? इस पर जो लिखा है उद्धव तुम नहीं पढ़ पाओगे। रासलीला करते करते जब अंतर ध्यान हो गए, जब प्रकट हुए बोले मैं थक गया हूं, यही ओढ़नी हमने उनके नीचे बिछाई थी। इसे देख करके याद आ जाएगी, छह छह महीने जो मेरे लीलाओं में साथ रही वो मेरे बिना कैसे रह पा रही हूं। श्री गोपियों ने अपना समर्पण ठाकुर जी के लिए प्रेषित किया।
तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ
मथुरा पहुंचे। मथुराधीश भगवान के मंदिर में पहुंचकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कई, चरणों में गिर पड़े, भगवान के चरण पकड़ लिए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, भगवान के चरण गीले हो गए। उद्धव आज तो करुणा के सागर में डूब रहे हो, क्या कारण है ऐसा? बुरा मत मानना कन्हैया, करुणा में रसिकता तुम्हारी सब झूठी, प्रेम को स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। आप प्रेम करना नहीं जानते हैं, प्रेम करना तो वो ब्रज की गुजरी गंवारी वो गोपियां ही जानती हैं। कन्हैया एक वरदान चाहिए, क्या चाहिए? मेरे जितने भी जन्म हो मुझे गोपियों के चरणों की धूल का कण बना देना। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणो में भीक्षण यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव जरा निगाह उठाओ मेरी ओर देखो। श्री उद्धव ने चरणों से निगाह उठा करके भगवान के मुखारविंद की तरफ देखा। श्री मथुराधीश के प्रत्येक अंग अंग में अनेक अनेक गोपियों का दर्शन होने लगा। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय। ये मैं क्या देख रहा हूं कन्हैया? जब मैं गोपियों के बीच में था तो ऐसा अनुभव होता था कि आप आसपास हैं, यहीं कहीं हैं। गोपियों में आप में गोपी, फिर मुझे काहे को बीच में लिया, मुझे क्यों वहां भेजा? उद्धव तुम ज्ञानी हो, मुझे ज्ञानी लोग पसंद नहीं है। ज्ञानियों में भाव का अभाव होता है। मुझे मेरे भक्त पसंद हैं, भक्त हमेशा भाव में डूबे रहते हैं। वृंदावन प्रेम की पाठशाला है। चढ़े जब वृंदावन को रंग गोपी भाव हृदय में उपजे पुरुष भाव हुए तंग। प्रेम की पाठशाला में पढ़ने के लिए तुम्हें वृंदावन भेजा गया। आनंद आ गया श्री ठाकुर जी, प्रेमावतार हैं, प्रेम के अवतार हैं। उद्धव को अपनी लीला का दर्शन कराया। भगवान कुब्जा के यहां पधारे, अक्रूर जी के यहां पधारे, अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, जाकर के पांडव और उनकी माता कुंती की खबर सुन ठाकुर जी ने जानी। इधर कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। श्रीमद् भागवत दसवां स्कंद 50वीं अध्याय, दसम स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। अस्ति प्राप्तिश कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरे दुःखार्ते ईयुति स्म पितृग्रहाण। कंस की पत्नियों ने अपने पिता के घर जाकर के बतलाया, छाछ के पिवैया ने छत्रपति मारो है। सुनकर के आश्चर्य हुआ, 11.5 वर्ष के बालक ने विश्व विजेता कंस को मार डाला। अपनी विधवा बेटियों को देख करके जरासंध के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अयाद भी महिम कर तुम चक्रे परम उद्यम सतद प्रिय मा कर्ण्य शोका मर्षीय तो नृप। जरासंध ने संकल्प कर लिया, मैं इस पृथ्वी को यादवों के विहीन कर दूंगा, एक भी यादव देखने को नहीं मिलेगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण को ललकार रहे हैं, हे कृष्ण बाहर आओ, आकर के युद्ध करो। ये कथा 50वीं अध्याय में कही जा रही है।
ये मन हमारा कंस है और इसकी दो पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने हो जाएगा। हर मन दो के चक्कर में पड़ा है, इतना है इतना और हो जाए, इतना हो गया इतना और हो जाए। जरासंध ने आक्रमण किया, जरा माने बुढ़ापा, संधि माने मित्रता। 50 वर्ष की आयु जब हो जाती है तो जरासंध आक्रमण करने लगता है, मथुरा को घेर लेता है। ये शरीर मथुरा है, क्या करना चाहिए? बोले मथुराधीश की क्षमताओं को पहचानना चाहिए। हमारे हृदय में जो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं, इनमें ध्यान लगा देना चाहिए। ये जब तक साथ हैं तब तक हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक रथ में श्री कृष्ण विराजे, एक रथ में दाऊ जी महाराज, दोनों के दोनों भैया युद्ध करने के लिए रण प्रांगण में आ गए। जरासंध की सेना को देख करके भगवान मुस्कुराए और दाऊ जी के कान में निवेदन किया, ये 75% पृथ्वी का राजा है, एक बार में मार दिया तो इसके पास बहुत सारे राक्षस हैं, वो घर पे ही रह जाएंगे। आप इसकी सेना का संहार करो और मैं इसे अपने सामने उलझा करके रखता हूँ। ये बार बार खाली हाथ जाएगा और बार बार सेना लेकर के आएगा, अनेक बार आएगा। पृथ्वी का भार हरण करना है, इसलिए परिश्रम तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। श्री दाऊ जी महाराज ने कन्हैया की बात मान ली। वही गृहस्थ सफल रहता है जिसमें बड़ा छोटों की बात मान ले और छोटे बड़ों की बात मान ले। जरूरी नहीं कि जो निर्णय बड़े ले रहे हैं वो सारे निर्णय सही हों, कहीं कोई भूल चूक किसी से भी हो सकती है। इसलिए अपने छोटों से भी पूछ लेना चाहिए, भाई ये काम करने जा रहे हैं कैसा रहेगा, तुम्हारी क्या सलाह है, तुम्हारा क्या विचार है। छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़े छोटों का ध्यान रखें। बिल्कुल विजय होनी है, हमें कोई जीवन में हरा ही नहीं सकता। श्री दाऊ जी महाराज युद्ध करने लगे, सवेरे से शाम तक सारी सेना समाप्त करके रख दी। कृष्ण कन्हैया ऐसी तलवार चला में ना हारते हैं और ना ही हराते हैं। देखा कि सेना समाप्त हो गई, जरासंध भाग गया। पहले लड़ाई भी धर्म से होती थी, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक युद्ध होता था। जिसके हाथ में तलवार है वो निहत्थे पर तलवार नहीं चलाता था, फिर घूंसे से मारते। डंडा वाला डंडा से लड़ेगा, तलवार वाला तलवार से, तीर कमान वाला तीर से, बड़ा धर्म के साथ युद्ध होता था। 16 बार जरासंध सेना ले लेकर के आया। कृष्ण बलराम सेना का संहार करते रहे। नारद जी को बड़ा आनंद आ रहा है जब राक्षस मारे जा रहे हैं। काली यवन नाम का राक्षस है जो कंस का भी मित्र था और जरासंध का तो संबंधी भी है। नारद जी पहुंचे और काली यवन से कहा, रे तुम्हारे लिए धिक्कार है। क्यों? तुम्हारा मित्र जरासंध उसके दामाद को दो छोटे छोटे लड़कों ने मार डाला, बार बार बगला लेने जाता है और हार करके चला आता है, बहुत ज्यादा परेशान है। काय बात के मित्र हो जो तुम उसकी परेशानी में काम नहीं आ रहे हो। सारी कहानी बड़ा चढ़ा करके नारद जी ने सुनाई। ऐसा ताव आ गया काले यवन को, नारद बाबा मैं जरासंध जैसी गलती नहीं करूंगा जो थोड़ी थोड़ी सेना लेकर के जाऊं, मैं तो अपनी सारी सेना लेकर के दोनों के ऊपर टूट पड़ूंगा। नारद जी मनी मन में कह रहे थे, हमारे ठाकुर जी को भी बार बार कष्ट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। लड़ते जाओ, मरते जाओ और जगह खाली करते जाओ, भगवान के आगे बढ़ते जाओ। काले यवन अपनी सारी सेना लेकर के मथुरा पहुंच गया। मजरासंध से बोला, तुम थोड़ा आराम करो, मैं देखता हूं इन दोनों के लिए। ठाकुर जी ने इशारा दे दिया, दाऊ भैया आप इसकी सेना को देखो, मैं इसे देखता हूं।
भगवान इसको ललकार करके भाग लिए। कहां तक भागे? मथुरा से आगरा, आगरा से धौलपुर, वहां प्रवर्सन पर्वत है, दौड़ करके ठाकुर जी पर्वत की गुफा में घुस गए। देखा वहां पर एक दिव्य पुरुष सो रहा है। भगवान ने झट से अपना पीतांबर सोए हुए व्यक्ति को पैर से लेकर के सिर तक उड़ा दिया, ढक दिया पूरा। खुद कन्हैया अन्य जगह छुप गए। दौड़ा दौड़ा काली बनाया, आकर के देखा लगता है ये कृष्ण सो रहा है। कृष्ण तुम जानते हो शूरवीर सोते हुए पर आक्रमण नहीं करते, मैं भी तुम्हें जगा करके मारूंगा। इतना कह करके जोर से लात मारी, सोया हुआ व्यक्ति जागा, आंखों से ऐसी रोशनी निकली, काले यवन जल करके भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने एक बार कथा सुनी तो याद हो गई और कल्याण भी हो गया। हम बार बार सुनते हैं फिर भी कल्याण क्यों नहीं होता? बोले जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो सो जाते हैं बार बार। अगल बगल में कोई सो रहा हो तो थोड़ा हिला दो, बड़ा पुण्य लगेगा। पीछे मुड़के मत देखना, खाली इधर देख लो और इधर देख लो। जो आंख बंद करके बैठा हो थोड़ा हिला दो उसके लिए। एक कथा में नियम बनाया गया, बोले बगल में कोई सो रहा हो उसके कसके नोच देना। अब कोई कथा नहीं सुनना, ध्यान से रहते कि कोई जरा आंख बंद करे झट नोच दे। सब आदमी खुरापात के लिए तैयार। बड़े केस आने लगे, महाराज मैंने तो खाली एक मिनट को आंख बंद करी, इसने देखो कितनी जोर से नोच दिया। अब कथावाचक परेशान, बड़े मुकदमा आने लगे। महाराज जी ने नियम बना दिया, बोले जिसको नींद आए वो अपने आप को नोच ले बड़ी जोर से, जो खुद ही नींद नहीं आए। अब कोई लड़ाई में नहीं लड़ रहा है, बोले कौन नोच। कथा में नींद आ जाना ये कथा की सफलता की निशानी है। कथा किस लिए कराई जाती है? बोले शांति के लिए, सुख शांति के लिए। और नींद कहाँ आती है? बोले जहाँ सुख शांति होती है। मेरी कथा में कोई सो जाए तो मैं सोचता हूँ 100 में से 100 नंबर मिल रहे हैं, कम से कम नींद तो आई, मतलब कथा से शांति मिल रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया। लेकिन सोने में बड़ा नुकसान है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। 10 मिनट बाद एक राक्षस की जय बुलवाई जाएगी, 15 मिनट बाद। जो भगवान के भक्त हैं, जो ध्यान से कथा सुन रहे हैं, वो राक्षस की जय नहीं बोलेंगे और जिनकी उससे कोई रिश्तेदारी है वही बोलेंगे। पेपर आउट कर दिया है मैंने, पहले ही बता दिया क्या पूछा जाएगा, फिर भी देखना रिजल्ट क्या रहता है। परीक्षित ध्यान से कथा सुनता है, बोल पड़ा तुरंत बीच में, को नाम सपमान ब्रह्म कस्य किम वीर्य एव च कस्माद् गुहाम गत शिष्ये किम तेजो यवनार्दना। महाराज जी गुफा में सो रहा था, कौन है, इसका क्या नाम है, किसका बेटा है और इसकी आंखों में भस्म करने वाली शक्ति कहां से आ गई। स इच्छा को ले जा तो मानधाता तनियो महान, मानधाता का बेटा मुचकुंद है। देवता आए और बोले राजा दानवों से हमारा युद्ध चल रहा है, हम हार रहे हैं, हमारी सहायता करो। मुचकुंद राजा की सहायता करने से देवता जीत गए और दानव हार गए। देवताओं ने कहा राजा वरदान मांगो। राजा ने वरदान मांगा, मुझे श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो। तथास्तु। कब होंगे दर्शन? त्रेता युग शुरू हुआ है, पहले ये पूरा होगा, फिर द्वापर युग आएगा, द्वापर के अंत में जाकर के दर्शन होगा। हैं? दो युग तक प्रतीक्षा कैसे करी जाए, कहां रहूं? बोले गुफा में जाकर के सो जाओ, श्री कृष्ण आएंगे, जगा करके दर्शन देंगे। राजा ने कहा श्री कृष्ण से पहले किसी ने जगा डाला, सोते के सोते किसी ने जला डाला, किसी ने काट दिया मार दिया, कोई शत्रु राजा आकर के काम तमाम कर गया। मरने का डर नहीं है लेकिन कृष्ण कन्हैया के दर्शन करे बिना मर जाऊंगा, आपका वरदान सत्य कैसे होगा?
देवताओं ने एक वरदान और दे दिया, श्री कृष्ण के अलावा जो भी तुम्हें जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। कृष्णावतार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने श्राप दिया हो। सुदामा जी के प्रति जरूर निकल गया था कि धरित्री हो जाओ, बाकी जितने भी भक्त हैं, राक्षस हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो औरों के श्राप और वरदानों से बन बन करके आ गए। कोई पेड़ बन गया, कोई अजगर, कोई सांप बन गया, कोई गिरगिट, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है। ठाकुर जी सबके लिए जा जा करके दर्शन दे रहे हैं, सबके वरदानों को, सबके श्रापों को सबसे कर रहे हैं। राजा मुचकुंद को दर्शन देने हैं लेकिन जगाने में गड़बड़ी है, जगाने का सामान साथ में ले चलते हैं। जगाना माने जलाना, जलाने के लिए ईंधन साथ में ले गए। जैसे ही मुचकुंद के द्वारा काले यवन जल करके भस्म हो गया, श्री कृष्ण कन्हैया राजा के सामने प्रकट हो गए। आप कौन? भगवान बोले पहले आप बताओ आप कौन। महाराज मेरा नाम मुचकुंद है। भगवान बोले मेरा नाम मुकुंद है, मैं हमेशा अपने भक्त से थोड़ा छोटा रहता हूँ। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जिनके दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है उनका नाम मुकुंद है। घुटनों के बल बैठा है राजा, टकटकी लगा करके दर्शन कर रहा है, कभी माथे के मुकुट को, कभी कानों के कुंडल को, कभी गले में माला को, कभी नेत्रों में लगे काजल को, कभी नासिका के बेसर को, कभी ठोड़ी के हीरा को, कमर की कोंदनी, चरणों के नूपुर, पीतांबर, कारी कामर, बार बार ऊपर से नीचे तक दर्शन कर रहा है। भगवान ने कहा राजा वरदान मांगो। महाराज हम वरदान मांगे? हमने कोई भक्ति तो करी नहीं है, ना कथा ना कीर्तन ना जाप ना स्मरण। नहीं नहीं, तुमने जो किया है वो हर किसी में हो ही नहीं सकता। क्या किया? बोले प्रतीक्षा करी मेरी। हम लोग प्रतीक्षा करना नहीं जानते हैं। एक माला फेरते हैं, बार बार झांक के देखते हैं, बड़ा वाला मनिया कब आएगा, कब माला पूरी होगी, कहां गुरुजी ने बता दिया। दो युग तक जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है, हम लोगों को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठाकुर जी आएंगे, जरूर आएंगे। एक कथावाचक तो बुलवाते थे कि भगवान तो हमारे आगे पीछे ही डोलो पर हैं, आज हमारे यहाँ भगवान आवेंगे। सब शिष्य बोलते बोले आज हमारे यहाँ भगवान आवेंगे, भगवान तो हमारे आगे ही पीछे डोलो पर। ऐसा विश्वास होना चाहिए। तुमने हमारी इतने दिन प्रतीक्षा करी है, वरदान मांगो। हे कन्हैया हमें वरदान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? संसार के जितने भी शुभ कर्म हैं वो आपको पाने के लिए किए जाते हैं। हम और आप कथा क्यों सुन रहे हैं? बोले भगवान मिल जाए। एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? बोले भगवान मिल जाए। प्रयागराज कुंभ में जाके त्रिवेणी में स्नान क्यों किया? बोले भगवान मिल जाए। और जब भगवान ही मिल गए हो अब क्या मांगना चाहिए? स्वामी विवेकानंद प्रिय शिष्य हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, प्राण निकलने वाले हैं। विवेकानंद को बुलाओ, नरेंद्र को बुलाओ। नरेंद्र को बुलाया गया, प्रणाम किया, गुरुदेव क्या क्या है, मैं मरने वाला हूं, तुम्हें कुछ सीखना हो तो सीख लो, आप ही बता दीजिए कि आपने हमको क्या नहीं सिखाया है। हे नरेंद्र मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त करना जानता हूं, क्या तुम सीखना चाहोगे? महाराज एक बात जानना चाहता हूं, क्या अष्ट सिद्धि और नवनिधि से भी ऊपर कोई श्रेष्ठ व्यवस्था है? बोले हाँ है। वो क्या है? बोले वो है श्री कृष्ण की भक्ति। जिसका मन श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है,
ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां अपने आप चल करके वहां आ जाती हैं, चक्कर लगाने लगती है। बाबा देखे आते कि किसी मंदिर में ठाकुर जी के सोने के बर्तन हैं, हमारे मंदिर में भी बनने चाहिए। कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठाकुर जी ने झट झट पूरा करा दिया। नाथद्वारा में ठाकुर जी गिन्नी के पालने में खेल रहे हैं नवनीत लाल, हमारे ठाकुर जी में भी होना चाहिए। साल भर में इतनी गिन्नियां आ गई कि पालना बन गया ठाकुर जी का। सारी सिद्धियां हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि कैसे सिद्धियां चल करके आती हैं। हमें तो केवल उनको संभाल करके रखना है, हमें तो करी कराई सब चीज मिल रही है। भगवान के चरणों में मन लग जाए, लग नहीं जाए, लगा रहे, पहुंचना वहां तक तो सरल है, खींच तान करके पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां पहुंच गए हैं वहां बने रहें, इसमें दोनों चीज चाहिए, तपस्या भी चाहिए, ठाकुर जी की कृपा भी चाहिए। तपस्या बनी रहेगी तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी, और जहां तपस्या में डगमगाट आएगी वहां ठाकुर जी हाथ छोड़ देते हैं, बोले अब भले ही तुम भेजाओ, अब हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। नाशवान वस्तुओं को अविनाशी परमात्मा से मांगना ये बुद्धि की दुर्बलता है। यदि हम आपसे हीरा का हार मांग लें, जरूरी नहीं कि जो हार दादी के पास था वो पोते की बहू के पास भी रहे, चेंज होता रहता है। अगर हम बहुत बड़ा मकान मांग लें, जरूरी नहीं कि जिस मकान में हमारे दादाजी रहते थे उसमें हम भी रहें। कोई वस्तु मांग ली जाए हमेशा साथ रहने वाली नहीं। भगवान कह रहे हैं कि हम तो दे करके ही मानेंगे, कुछ ना कुछ तो मांग लो। बार बार ठाकुर जी कह रहे हैं मांगो मांगो मांगो, तब इन्होंने मांगा कि मैं जन्म जन्म आपके गुणगान गाऊं। हे प्रभु, मेरे जितने भी जन्म हो मैं आपके गुण गाऊं। थोड़ा विचार करना चाहिए, क्या भगवान के दर्शन करने के बाद दूसरा जन्म होगा? भगवान के दर्शन करने के बाद तो मोक्ष हो जानी चाहिए, दूसरा जन्म होना ही नहीं चाहिए। और ये कहते हैं कि जन्म जन्म गुणगान गाऊं, क्या मतलब हुआ? दो तरह के भक्त हैं, निष्काम भक्त और सकाम भक्त। जिनके मन में कामनाएं हैं वो चाहते हैं मोक्ष हो जाए, और जो निष्काम हैं वो चाहते हैं कि बार बार हम जन्म जन्म लेकर के यहां आते रहें। भगवान ने वरदान दिया अगले जन्म में श्रीधर स्वामी पाद बने, और अगले जन्म में नरसिंह मेहता बन करके भगवान के गुणगान गाए, बार बार दर्शन पाए। कृष्ण कन्हैया मथुरा पधारे, योग माया को आज्ञा दी, योग माया भारत के पश्चिम में द्वारकापुरी बसाओ। आज रात में जब मथुरा के लोग सो जाएं, सोते के सोते तन मन धन के सहित इनको द्वारका पहुंचा देना। कृष्ण बलराम को छोड़कर सबके सब सोए मथुरा में, और जागे तो अन्यान नगर चारों तरफ सोने के महल ही महल। अरे भैया, इस नगर का द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? नगर का नाम द्वारका पड़ गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। कृष्ण बलराम अकेले और जरासंध ने फिर आक्रमण कर दिया। गाओ भैया, इसको मारना नहीं है, इसकी मृत्यु भीमसेन के हाथ से लिखी है। कीचक दुर्योधन जरासंध और ये तीनों के तीनों भीमसेन के द्वारा मारे जाने हैं। सारी सेना को मार दिया, कुछ लोग छोड़ दिए। कृष्ण बलराम दोनों भाई भाग लिए, आगे आगे कृष्ण बलराम, पीछे पीछे जरासंध पीछा करता हुआ आ रहा है। भगवान को गालियां देने लगा, हे कृष्ण पुरुषाधम, जो पुरुषोत्तम है उनसे कह रहा है तुम पुरुषों में अधम हो। दाऊ जी ने कहा कन्हैया ये गाली दे रहा है तुमको, तो एक धड़ दे चलते चलते। भगवान ने कहा नहीं, बाजार की गाली किसको? बोले जो मुड़के देखे उसको।
एक बहुत बढ़िया सर्वे किया गया, हर व्यक्ति जब नया पेन खरीदता है तो अपना नाम लिख के देखता है, इसका मतलब हर एक व्यक्ति को अपना नाम मालूम है। लेकिन भीड़ में पीछे से कोई आवाज लगाए, अबे गधे तुम मुड़के देखते हैं, हमसे तो नहीं कह रहा है। जब ये मालूम है कि हमारा नाम गधा नहीं है, अपना अपना नाम सबको मालूम है, फिर क्यों मुड़ करके देखा जाता है? बोले यही तो दिमाग की कमी है। कोई नाम लेकर के भी गाली दे तो बोले एक नाम के हम ही थोड़ी हैं, एक नाम के बहुत लोग हैं, ऐसा के कोई किसी और को गाली दे रहा हो। गाली और जीरो जहां लग जाती है वहां 10 गुना कर देती हैं, जितना हो सके टालना चाहिए। मथुरा से दौड़े जूनागढ़ तक, एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए। कुछ बहुत ही होशियार लोग जरासंध के जो समझा है, गुफा में से निकल के कहां जाएंगे, जल्दी गुफा में लकड़ी भर दी जाए, आग लगा दी जाए, दोनों के दोनों का दम घुट जाएगा, यही काम तमाम, हमारे महाराज की विजय हो जाएगी। ऐसा ही किया, आग लगा दी, बड़े खुश हो गए, बोलो जरासंध महाराज की। और जो जय बोल रहे हैं वही हंस रहे हैं, आश्चर्य की बात यह कि नहीं कि दूसरा हंस रहा हो कोई। कुछ लोगों का कहना है, बोले महाराज आप ही क्यों जय बुलवा रहे हो, आपका कौन लगता है, कह रहे होंगे ना कुछ लोग, मुझसे कमरे में आके कहा था पिछली कथा में ये बात, तुम्हारा कौन लगता है, जरा समझे उसकी जय बुलवाते हैं। और एक ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले हम तो जब तक कृष्ण की कथा सुनते हैं हमको तो जरासंध में भी कृष्ण दिखता है, कंस में भी कृष्ण दिखता है। चलो जाकी रही भावना जैसी, पर थोड़ा चेतन होकर के कथा सुननी चाहिए। पहली बार लड़ाई छोड़ करके भागे, रण छोड़ करके भागे, भगवान का नया नाम पड़ गया, बोलो रण छोड़ भगवान की जय। द्वारका में जाकर के विराजे तो वहां के लोगों ने एक लोकल नाम रख दिया, बोलो सांवरिया सेठ की जय। बड़ी आदर्श कथा है, राज्य का जो आनंद है वो सब पिताजी के लिए, वसुदेव जी के लिए। और स्वयं एक व्यक्ति ने फोन पे पूछा, बोले भगवान का द्वारका में राज्याभिषेक हुआ था क्या? नहीं हुआ। भगवान तो उग्रसेन जी को राजा बना रहे थे, नाना जी को, और उन्होंने कहा नहीं नहीं वसुदेव जी को बनाओ, दामाद जी को बनाओ, नाना जी को ना बना करके पिताजी को राजा बनाया। श्री कृष्ण का राज्याभिषेक नहीं होता है कहीं भी, वो राजा नहीं है, वो किंग मेकर हैं, वो राज्यम महाराज माधिपत्यमयम समंत पर्याय स्यात् सार्वभौम सार्वायुष अंतार्धार परार्धार। वो तो बिना नाप तोल के व्यवस्था है सारी, वो तो राजाओं को राजा बनाने वाले हैं। जीवन में भगवान जब कभी धन दें तो उस धन का सदुपयोग हमें माता पिता को सुख पहुंचाने में करना चाहिए। हम दुनिया में लंगर चला रहे हैं, हम दुनिया में खूब भोजन बांट रहे हैं, लेकिन एक टाइम यदि माता पिता से नहीं पूछ रहे हैं कि माँ भोजन किए कि नहीं, वो 1 लाख लोगों को खवाया हुआ लंगर धूल पड़ी बेकार है। हम दुनिया में दवाई बांटते हैं, दुनिया में अस्पताल चला रहे हैं, अपना नाम करने के लिए जगह जगह दान दे रहे हैं, घर में पिताजी से ये भी नहीं पूछते कि पिताजी तबीयत ठीक है ना, तो वो लाखों का दान पुण्य बेकार है सारा। जीवन में यदि प्रसन्न करना है तो सबसे पहले माता पिता को प्रसन्न करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम धनवान हो, हम जैसे हैं वैसे हैं, वाणी से तो हम धनवान हो जाएं, वाणी के तो अमीर हो जाएं, कुछ अच्छा कर सकें, अच्छा बोल सकें। यदि माता पिता का दुख हमने दूर कर दिया, माता पिता को यदि हमने प्रसन्न कर दिया, तो 33 करोड़ देवता हमसे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा भागवत गीता रामायण में लिखा है। दुनिया में दौड़ने की भागने की मोक्ष का उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं है,
ठाकुर जी खुद आकर के हमारी कामना पूरी करेंगे। भगवान द्वारका में विराज रहे हैं, पड़ोस में ही रेवत राजा रहते हैं जो भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मा जी के प्रति उनका बड़ा प्रेम भाव है। श्री ब्रह्मा जी से अपनी बेटी के लिए वर पूछने के लिए गए, समय अंतराल के कारण उनकी बराबर आयु का कोई वर उपस्थित नहीं था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री वसुदेव जी के पास जाकर के दाऊ दादा के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर के गए, स्वीकार कर लिया गया। श्री बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। बलराम जी के विवाह की कथा सुनकर के परीक्षित राजा ने निवेदन किया, भगवन शोधमिच्छामि कृष्णस्यामिति तेजसा यथा मागद शार्वादीन जित्वा कन्यामुपाहरत। आप मुझे श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनाइए, जैसे बब्बर शेर अन्य पशुओं के बीच में से अपनी बलि को उठा करके ले जाता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में से रुक्मणी जी को श्री कृष्ण परणा करके ले गए, मुझे रुक्मणी विवाह की कथा सुनाइए। राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भा धीरपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका च वराना। कुंडनपुर है शहर का नाम, विदर्भ देश है राज्य का नाम। वहां के राजा हैं भीष्मक, जिनके पांच बेटे हैं, रुक्मी रुक्मबाहु रुक्मकेश रुक्मी रुक्मरथ। एक उनकी बेटी है जिनका नाम है रुक्मणी है। राजा धर्म के है, अपना राज्य बेटों को दे दिया और अब खुद केवल भजन करते रहते हैं। एक बार नारद जी राजा के यहां पधारे, प्रणाम करके पूछा, कहां से आ रहे हैं नारद बाबा? द्वारका से आ रहे हैं। जहां के राजा श्री द्वारकाधीश हैं। आहा, दोनों ही नाम बड़े प्यारे हैं, थोड़ा इनके बारे में बतलाइए ना। जैसे ही श्री कृष्ण लीला गाई, सुनने के लिए राजा और राजा की बेटी रुक्मणी ही वहां विराजमान हैं। भाव समाधि लग गई, नारद जी चले गए। राजा ने पूछा, रुक्मणी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पिताजी, मैं अपना सर्वस्व द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर चुकी हूं, क्या तुम्हारा विवाह करा दिया जाए उनके साथ? मौनम स्वीकृति लक्षणम, सिर झुका लिया, शरम आ गई। पांचों बेटों को बुलवाया, रुक्मी तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, मेरा मन है इसका विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ कर दिया जाए। भगवान के विरोधी हैं, ठाकुर जी का नाम इनको सपने में भी नहीं सुहाता है। दिल मिला गया, लाल ताता हो गया, ओ जोर से चिल्लाने लगा, ओ कृष्ण द्वारका बारो, उमर को बारो, रंग को कारो, गैया चरावे बारो, मैं वाको सारो, तुमने तो बिचारो, ये बात कहीं जमेगी? एक राजा की बहन ग्वालिया के लिए विवाही जाएगी? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। कान खोल करके सुन लीजिए पिताजी, घर के कामों में टांग अड़ाना बंद कर दो, आपसे बिना पूछे मैंने सगाई चेदरा शिषपाल के लिए भेज दी है। जरासंध 75% पृथ्वी का राजा है, शिषपाल को अपना गोद लिया बेटा घोषित कर दिया है, मेरी बहन उसके साथ विवाही जाएगी, हम तीनों मिलकर के पूरी पृथ्वी पर शासन करेंगे, आप कहां ग्वारिया के चक्कर में पड़े हुए हो? बारात आने वाली है, इच्छा हो तो आशीर्वाद देने आ जाना, नहीं तो बैठ करके भजन करना। ढांट करके चला गया। रुक्मणी जी ने सुना, भयभीत हो गई। शिषपाल के साथ यदि एक पल भी व्यतीत करना पड़ा उससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगी। एक ब्राह्मण देवता राजा के यहाँ पंचांग सुनाने के लिए आया करते थे। यहाँ बैठे सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि हम लोग हिंदी के पंचांग को सुना करें,
जितने लोग बैठे हैं 50 साल तक की जिनकी उम्र है, हिंदी के बारे महीने के नाम याद हो तो हाथ उठाएं, जिनकी 50 साल की उम्र हो। 50 साल से ऊपर नहीं चलेगा, डाई कराने से काम नहीं चलेगा। बाकी चलो कुछ हाथ उठ रहे हैं कि जिनको हिंदी के बारे महीनों के नाम याद हैं। अगर 25 साल कहा जाए तो किसी को भी हिंदी के 12 महीने के नाम याद नहीं होंगे। गांवों में हो जाते हैं, शहरों में बिल्कुल नहीं होते। रामनवमी कौन से महीने में आती है हिंदुओं की संतान को नहीं मालूम है। अरे बहुत बढ़िया कथा हो रही है, तो 382वीं कथा है मेरी। इतनी आवाज कहीं नहीं निकल के आई, सच बोल रहा हूं। जन्माष्टमी कौन से महीने में आती है? अरे यहां तो हमारी कथा फेल। लेकिन अगली पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि वैलेंटाइन डे कब आता है सबको पता है, और शिव चौदस कौन से महीने में आती है? फागुन में। ये भी ध्यान रखें। राधाष्टमी कब आती है? बोले भादो में। दिवाली कब आती है? कार्तिक में। होली कब आती है? फाल्गुन में। ये हिंदुओं को पता होना चाहिए। लेकिन नव वर्ष कब आता है हमारी अगली पीढ़ी को नहीं मालूम है। हैप्पी न्यू ईयर कब होगा ये सबको मालूम है। इसमें बहुत बड़ी कमी हम लोगों की भी है। जितने यहाँ बुद्धिमान सामर्थवान लोग बैठे हैं वो अपने बच्चों को बिठा करके बतलाया करें, भैया श्रावण का महीना है, कृष्ण पक्ष है, पंचमी तिथि है, नाग पंचमी, भैया पंचमी, जिनको जो याद रह जाए बताना चाहिए। अपनी भेंट भगवान तक पहुंचाने के लिए, देवताओं तक पहुंचाने के लिए तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता गाय, दूसरा रास्ता ब्राह्मण, तीसरा रास्ता अग्नि। जिस देवता का नाम लेकर के अग्नि में आहुति डाली जाए उसी देवता को पहुंचती है। जिस देवता का नाम लेकर के ब्राह्मण को जिमाया जाए उसी को पहुंचता है। कमाल है, एक दिन लोहिया जी के यहां से फोन आया, आपका गोत्र क्या है? मैंने कहा क्या करेंगे? बोले गुरु का भी श्राद्ध करेंगे, गुरु के लिए भी सदकर्म करेंगे। आनंद आ गया। मैंने कहा ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। गाय को भी जिसके नाम का हम देंगे उसी पर पहुंचेगा। श्री कृष्ण को बुलाना है, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, हे प्रभु पधारो। श्रित्वा गुणान भुवन सुंदर सणवताम दे निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दिशाम दिशमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यत्ता विशद चेत्रम पत्रपम मे। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके दर्शन नहीं किए हैं, मैं केवल कथा में आपके बारे में सुनकर के अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर चुकी हूं। आप आओ और मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। कात्वा मुकुंद मेहदी कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न प्रणीत कन्या काले न सिंह नर लोक मनोभिरामम। आप ये भी कह सकती हो, कह सकते हो कि मुझे क्यों बुला रही हो, तुम ही आ जाओ ना भाग करके द्वारका। मैं लाचार हूं, मैं एक कुलवती कन्या हूं, घर से बाहर नहीं निकल सकती। आप नरसिंह बन करके आ सकते हैं, आप खंभा फाड़ करके प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में आ जाओ, पर आ जाओ। तन में भगवान कलवृतरंग जाया महात्मा प्रदर्श भगवतो त्रिभो विदेही माँ भीर भाग्यम विमर्शत चैत्य आराध गोमा युवन मृगपते वले अम्बुजाक्ष। हे कन्हैया, कहीं शिशुपाल को देख करके डर मत जाना, ये वही है जिसको आपने नरसिंह बन करके मारा था, ये वही है जिसको आपने रामावतार में मारा था। आप दो दो बार इसका कल्याण कर चुके हो। हे प्रभु आ जाओ। प्रार्थना करते करते रो पड़ी रुक्मणी जी। बोले पिछले अवतार में तो बिना बुलाए सबसे पहले आकर के बैठ गए थे। जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ में राम जी सबसे पहले पहुंच गए थे और लोग बाद में आते रहे।
जहाँ नहीं बुलाया वहां तो आके बैठ जाते, और यहाँ बुला रहे हैं, यहाँ नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि ये खाली शरीर आपको मिले और हमारे प्राण आपको मिले ही नहीं। शादी का कार्ड भी छपवाया गया है। शादी के कार्ड में क्या लिखते हैं लड़के के आगे? चिरंजीव शिशुपाल का विवाह, अखंड सौभाग्यवती रुक्मणी के साथ, ऐसा ही कुछ छपवा दिया था। बोले ये आ और सो क्या लिखा जाता है? लिखते हैं अखंड सौभाग्यवती, लेकिन लोग अर्थ निकाल लेते, बोले अकेली सो के बराबर। और लड़के के आगे ची लिखा रहता है चिरंजीव का, खाली ची लिख देते हैं। बोले क्या मतलब है? बोले ये तेरे से सौ कहेगी और तू ची भी नहीं कर पाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रुक्मणी जी ने भगवान को बुलाने के लिए जो लिखा, हम और आप भी लिखें तो ठाकुर जी हमारे लिए भी जरूर आएंगे। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचे, एकांत में श्री कृष्ण कन्हैया को दोनों पत्र सौंप दिए, ब्राह्मण का अभिवादन करके विदा किया। दोनों पत्र पढ़े, पढ़ करके समझने में देर नहीं लगी। रुक्मणी जी का पत्र हृदय से लगाकर छिपा करके रख दिया और जो विवाह का निमंत्रण पत्र है उसे लेके महाराज के पास पहुंच गए। दाऊ भैया कोई राजा है कुंदनपुर के, अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, निमंत्रण आया है, आप चले जाओ, कन्या दान दे आना। कन्हैया मैं नहीं जाऊं, तू चलो जा। क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगे? कन्हैया मेरो ब्याह तो है गयो और तेरो कहीं से है नहीं रहो है। थोड़ो ने सही धज करके दियो, क्रीम पाउडर लगाए के, है सके कहीं टाको भिड़ जाए और काम बन जाए। नेकी और पूछ पूछ ठाकुर जी दौड़े दौड़ करके रथ में बैठ गए। जल्दी रथ दौड़ाया जाए, सीधे पहुंच गए कुंदनपुर में, जहां शिशुपाल की बारात आ चुकी है। आज रात में बारात निकलेगी, सड़कों पर सफेदी डाली जा रही है, सफाई करी जा रही है, कहीं बैंड बाजे वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं झांकियां सज रही हैं, तोरण बांधे जा रहे हैं। भगवान के सारथी ने कहा, कन्हैया आपने बतलाया नहीं कि बारात में भी जाना है? हम भी बहुत बढ़िया बैंड बाजा झांकी सजा करके लाते। भगवान बोले, चिंता मत करो, शाम को बारात निकले जब सबसे पीछे अपने रथ को लगा देना, देखने वाले समझ जाएंगे आगे जो लबाज मां जा रहा है ये पीछे वाले राजा का ही है। बड़ी झांकी हमेशा पीछे रहती है। बड़ी जोर की बारात निकली, जहां जनवासी में बराती ठहरे हुए थे, सवेरे ही सवेरे सब अपने अपने काम में लग गए। कोई मंजन कर रहा है, कोई शेविंग कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है। लेकिन वहां पे एक बात चल पड़ी, क्यों जी? कल बारात में सबसे सुंदर कौन लग रहा था? कोई बोला जरासंध, कोई बोला शिशुपाल, एक कोई भगत जी आए हुए थे। बोले भैया, जो आनंद श्री कृष्ण के दर्शन करके आया वो आनंद किसी को देख के नहीं आया। आप लोग तो ताली बजा रहे हो, पर शिशुपाल मंजन कर रहा था। मंजन बंद हो गया और इंजन चलने लग गया, धक 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 धक। हे भगत जी, आपने क्या वो द्वारका वाला कृष्ण देखा? द्वारका वाला कह दो, चाहे मथुरा वाला कह दो, चाहे वृंदावन वाला कह दो, कृष्ण तो एक ही है। हाँ, राम कई हैं, सतयुग में पुरुष राम, त्रेता में दशरथ नंदन राम, द्वापर में बलराम, कलयुग में जगजीवन राम, काशी राम कई राम है, पर कृष्ण का डुप्लीकेट आज तक कोई तैयार नहीं कर पाया। जैसे ही शिशुपाल ने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं, मोबाइल निकाला और सीधा मिलाया, रुक्मी कम टू मी, दौड़ा दौड़ा रुक्मी आया। जीजा जी कैसे जी घबरा रहा, क्या तुमने वो द्वारका वाले कृष्ण को निमंत्रण भिजवा दिया, उसको भी बुला लिया है? पांच भाई कितने मंत्री संतरी सेनापति मिलके काट बांटे, हो सके भिजवा दिया होगा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान होने की ज्यादा जरूरत है, क्यों? जहां ये द्वारका वाले महाशय पहुंच जाते हैं, वहां कार्यक्रम नहीं होता, वहां क्रियाकर्म होता है।
जल्दी से अपनी बहन को बुलाओ और मेरे फेरे भरवाओ। नहीं नहीं, अभी हमारी बहन स्नान करके चुकी है, थोड़ी देर में सहेलियों के साथ पराम्बा पार्वती का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएगी। कितनी दूर है ये मंदिर? बोले ज्यादा नहीं, केवल 2 कोस है। शिषपाल बोला मुझे तो होश पहले ही उड़ते दिख रहे हैं, पहुंची कि नहीं पहुंची मंदिर में? एक काम करो, पहले विवाह करा दो, बाद में पूजा करा लेना। नहीं नहीं, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, वो धूली के फेरे हैं। शिषपाल मन में सोच रहा है मुझे तो धूली पहले ही उड़ती दिख रही है, वो धूली होगी कि नहीं होगी? जीजा जी चिंता ना करें, आपने अभी हमारा इंतजाम नहीं देखा है। रुक्मणी जी के मंदिर महल से पार्वती जी के मंदिर तक चतुरंगणी सेना सजाई गई है। शिषपाल बोला सैनिकों, चिड़िया भी दिखाई दे तो फट से गोली मार देना, इसको डर है कहीं अब की बार चिड़िया बनकर के नहीं आ जाए। जीजा जी गली गली घूमते अच्छे नहीं लगते, बैठ जाओ टीवी लगा देंगे, आंखों देखा हाल आपको बार बार लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा। सहेलियों के साथ रुक्मणी जी पार्वती जी के मंदिर में पधारी, आज प्रणाम किया। माँ पूजा तो बचपन से कर रही हूं पर आज कुछ मांगा नहीं है, पहली बार मांग रही हूं। नमस्ते त्वम के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। पार्वती जी प्रकट हो गई, गले में वरमाला डाल दी, मन जा हिरा चो मिले सोवर सहज सुंदर सांवर। सखियों से कहा जरा बाहर जाकर के देखो, लौट के आ गई, बोले नहीं दिखे। रुक्मणी जी बाहर आई, जो घूंघट उठाया इतनी जोर का प्रकाश, सारे सैनिक गोदी में हथियार रख करके आंख मसलने लगे। भगवान बोले ये बढ़िया मौका है, ठाकुर जी आ गए लेकिन आ तो गए, कन्फ्यूजन हो गया। क्यों? आजकल दुल्हन सजे तो सजे, संग की सहेलियां ऐसी सजती हैं कि दूल्हा इसे छोड़ दे और हमें ले जाए। ठाकुर जी भी चक्कर में पड़ गए, पता नहीं कौन सी इनमें रुक्मणी है, कहीं ऐसा ना हो ठाके ले जाऊं, मालूम पड़े मैं तो रीता हूं रुक्मणी नहीं हूं, फिर पहुंचाने आना पड़े। भगवान ने हाथ में कंगन देख लिया रुक्मणी जी के, ओहो यही रुक्मणी है। ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, आप कौन? बोले मैं हूं सांवरिया। हैं? नारद जी ने बताया था कि आप बजाते हैं बसुरिया, जरा बजा के दिखाइए ना। भगवान ने कहा सामने सैनिक देख रहे हैं तगड़े तगड़े मुस्टंड, जो मैंने बजाई बसुरिया और इनने तोड़ी मेरी पसुरिया, हड्डी पसली तोड़ देंगे, चलो द्वारका में बंसी बजेगी। गोदी में उठाया, रथ में बैठाया और ले गए और ले गए और ले गए, हल्ला है गयो। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। अब तो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आने लगी, वो मोर मुकुट पीतांबर धारी द्वारका वाला कृष्ण कन्हैया मंदिर से रुक्मणी जी को भगा करके ले गया। मैं मंदिर का पुजारी, कैमरामैन क्या नाम है तुम्हारा, फलाने के साथ आज तक टिंग टोंग। शिषपाल बेहोश होकर के गिर पड़ा, हाय रुक्मणी। हे रुक्मी, तुम तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ये क्या हो गया? चिंता ना करें जीजा जी, मैंने सारी सेना दौड़ा दी है, पकड़ करके अभी लाते ही होंगे। द्वारका में दाऊ जी का मन बेचैन हो रहा है। शिषपाल दंत वक्र विदुरथ रुक्मी जरासंध, ओ बड़े बड़े दुष्ट इकट्ठे होंगे, कन्हैया मेरा अकेला कहीं परेशान नहीं करें। हलमूसल लेकर के दाऊ जी महाराज रथ में विराज गए और रथ दौड़ा दिया कुंडनपुर की ओर। भगवान जा रहे हैं, दाऊ जी महाराज आ रहे हैं, बीच रास्ते में दोनों का मिलना हो गया। भगवान बोले हे भगवान, आज तो फंस गए चक्कर में, सामने से बड़े भैया आ रहे हैं और इधर से छोरी भगा के ला रहे हैं, आज तो मार पड़ेगी। पहला जमाना था, ठहरियो ठहरियो कन्हैया ठहरियो, दाऊ भैया प्रणाम। कन्हैया तू तो विवाह में गए हो ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? बोले वहां सबरे काम जल्दी सिलट गए, जालिए में जल्दी आ गए। कौन को ब्याई? अब ब्याई हो तो बताओ, मैं भगा के ला रहे कहां बताते। सिर झुका लिया, तुमको ब्याई? बोले जी हाँ। कहां है? बोले पर्दा के पीछे बैठी है।
हाय हाय गड़ा मेरा बंदा तेरा विवाह हो जाए कन्हैया चलो द्वारका चलो बहुत जोर का उत्सव मनाएंगे। इतने में देखा पीछे से सेना आ रही है। कन्हैया ठहरियो ठहरियो, ये इतने लोग जो आ रहे हैं वो विदा करने आ रहे हैं या दहेज का सामान लेके आ रहे हैं? भगवान बोले ना ये पहुंचाने आ रहे ना दहेज का सामान लेके आ रहे, तो कूटवे आ रहे हैं। क्या बात हो गई? बोले इनके घर के झगड़े हैं यही जाने, तेरी कोई गलती नहीं। बोले मेरी बिल्कुल नहीं है। तो बेटा तू चल, मैं इनको देखता हूँ। दाऊ जी ने हल मूसल याद किए, हल से हाथी का पैर खींचे, मारे मूसल टमाटर की तरह भोल के रख रहे। आधी सेना मारी आधी भाग गई। दाऊ जी बोले आते हो कि नहीं आते हो? सैनिक बोले बिल्कुल नहीं आएंगे, ना तीर चलाते हो ना तलवार, सीधे डाक खाने किसी मोहर लगाते हो और भेज देते हो, हम नहीं आएंगे। दुष्ट रुक्मी ने छोटे रास्ते से जाकर के भगवान का रास्ता रोक लिया, तलवार चलाने लगा, भगवान ने हाथ मरोड़ करके तलवार छीन ली। रुक्मणी जी ने क्षमा याचना करी, आधे बाल आधी मूछाड़ी डाढ़ी गाड़ के बांध के पटक दिया। श्री दाऊ जी महाराज आए, मुक्त कराया, भाग गया द्वारका में। रुक्मणी विवाह का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। एक वर्ष के बाद प्रद्युम्न भगवान भगवान के पुत्र प्रकट हुए। समरासुर नाम का राक्षस जिन्हें हरण करके ले गया। मछली के द्वारा समरासुर की रसोई में पहुंचे। नारद जी के द्वारा कुमारावस्था प्राप्त करी। समरासुर को मार करके द्वारका विवाह करके पधारे। सत्राजित नाम के राजा ने सूर्य से मणि प्राप्त कर ली। मणि उनका ही भाई पहन करके गया, पर भगवान को कलंक लगा दिया। श्री द्वारकाधीश सेना लेकर के खोजने निकले, पहुंच गए जामवंत की गुफा में। कृष्ण और जामवंत का मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने राम रूप में दर्शन दिए। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ करके मणि दहेज में दे दी। मणि को ला करके सत्राजित को दे दिया। नारद जी आए और सत्राजित के द्वारा उनकी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ कराया। मणि फिर द्वारकाधीश के लिए। कृष्ण अर्जुन घूमने निकले, यमुना जी को तपस्या करते देखा। संकल्प था कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना। चौथा विवाह श्री यमुना जी के साथ में किया। पांचवा विवाह मित्रविंदा जी के साथ, छठा सत्या जी के साथ, सातवां भद्रा जी के साथ, आठवां लक्ष्मणा जी के साथ। भौमासुर को मार करके 16,100 को भगवान ने वरण किया। 16,108 पत्नियों को 10-10 पुत्र और एक एक कन्या प्रदान करे। सबके अलग अलग सोने के महल बनवाए। ये सामर्थ केवल द्वारकाधीश की है। बोलो द्वारकाधीश की जय। कृष्ण रुक्मणी परिहास हुआ। बाणासुर ने भगवान शंकर को वरदान मांग करके रक्षक पे कर लिया है। बाणासुर की कन्या ने जादू के द्वारा भगवान के पौत्र का आवरण कर लिया। कृष्ण युद्ध करने आए, कृष्ण शंकर युद्ध हुआ। सदमति प्रदान करी बाणासुर को, सदगति प्रदान करी और अपने पोते का विवाह बाणासुर की बेटी से करा करके लाए। नृग नाम का राजा ब्राह्मण शाप से गिरगिट बना हुआ था। भगवान बगीचे में आए, चरण स्पर्श प्रदान करके सदगति प्रदान करी। दाऊ जी महाराज ब्रज में आए, ब्रज यात्रा ब्रज का आनंद लिया। पौंड्रक नाम का राक्षस अपने आप को द्वारकाधीश कहता था, भगवान को ललकारने लगा, खेल ही खेल में मत कर डाला। दुविध नाम का बंदर आतंकवादी हो गया, भगवान ने उसे भी समाप्त किया। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ जामवती के पुत्र सांब का विवाह श्री दाऊ जी महाराज करा करके लाए। श्री नारद जी ने घर घर में दर्शन करके जान लिया भगवान 16,108 ही नहीं, भगवान कितने भी रूप धारण करने में सामर्थ्यवान है। वो केवल 16,108 को प्रसन्न नहीं रख सकते, वो अनंत लोगों को एक साथ प्रसन्न रख सकते हैं। भीम और अर्जुन को ले जाकर भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया। बंदी राजाओं के बंधन खोल करके उनको सम्मान प्राप्त कराया। राजसूय यज्ञ में आए श्री ठाकुर जी ने, सबके जूते उठा करके जगह पर रखना, सबकी जूती पट्टल उठा करके जगह पर डालना, दो काम अपने जुम्बे लिए। प्रधान पूजा का विरोध शिषपाल करने लगा। भगवान ने कहा ठहरो, 100 अपराध से ज्यादा मत करना, नहीं तो मारे जाओ।
इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शिशुपाल ने अपने अपराध गिन लिए थे कि चार बचे हैं, 100 हो जाएंगे। नहीं माना, चार भी कर डाले, भगवान ने चक्र से उसको छेद दिया। भगवान की बुआ का बेटा था, भगवान के वैकुंठ का पार्षद था, इसलिए भगवान में विलीन हो गया। हम ना बेटे हैं, ना भाई हैं, ना पार्षद हैं, फिर भी हम अपने अपराध नहीं गिन रहे हैं कि हम कितने अपराध कर रहे हैं। शिशुपाल को तो वार्निंग दी गई थी कि रुक जाओ, चार अपराध शेष हैं, हमें कोई वार्निंग देने नहीं आएगा, हमें अपने अपराध स्वयं गिनने चाहिए कि हाँ कब कौन सा अपराध कर रहे हैं। रोज रात को जब सोए ना, बिस्तर पर उल्टे लेट जाएं, हाथ ऊपर करके ठाकुर जी से कहें, अब तक के किए गए सारे शुभ और अशुभ कर्म हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। क्या होगा? बोले अब गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने थे वो तो वहां चढ़ा दिए, जीरो हो गए, अब ना स्वर्ग में जाना है ना नरक में जाना है, अब तो सीधे भगवान के धाम जाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिशुपाल का वध करने पर दंत वक्र विदुरथ बदला लेने के लिए आए, जल में थल, थल में जल। दुर्योधन का उपवास हुआ, महाभारत की नीम डल गई, श्री दाऊ जी के द्वारा बलबल का उद्धार, समस्त तीर्थों की यात्रा श्री दाऊ जी महाराज ने करी। श्री सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते रुक गए, बोले राजा एक बात बताओ, अब तक हमने जितनी कथा तुम्हें सुनाई उन कथाओं से तुमने क्या सीखा? सच में अगर हम किसी को कुछ पढ़ाएं तो पूछना भी चाहिए कि क्या सीखा, और हमें तैयार रहना चाहिए कोई हमसे पूछे कि क्या सीखा तो हम क्या बता पाएंगे। परफेक्ट श्रोता है, अच्छा चार तरह के श्रोता होते हैं, श्रीजी वाला श्रा होता है ना, उसके ऊपर ओ की मात्रा का श्रोता, उसको कहते हैं कथा सुनने वाला, जो कथा सुनता है। छुट्टी होने वाली है और रेल का डिब्बा खाली है, बैठ जाओ महाराज, जल्दी बैठ जाओ। बच्चों से पूछा स्कूल में कौन अच्छा लगता है सबसे प्यारा, बोले जो घंटी बजाता है ना छुट्टी की, वही प्यारा लगता है। जो ध्यान से कथा सुनते हैं वो श्रोता हैं, श्रा के ऊपर वो की मात्रा होता। दूसरा श्रोता होता है सा, और सा में नीचे रा का आधा रा, पेट चीरा रा कहते हैं उसको, ऊपर वो की मात्रा होता। वो श्रोता हैं, वो कथा में से कुछ ना कुछ स्रोत लेके जाते हैं, कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई अच्छा ही लेके जाते हैं कि आज से हम ये करेंगे, आज से हम ऐसा सुनेंगे, ऐसा हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना है श्रोता। तीसरे होते हैं सोता, आए और देखा सहारे से कहीं बैठ जाए और खर सोना शुरू हो, बेचारे थकान उतारने के लिए आते हैं। इस कथा में एक दो ही हैं, ज्यादा नहीं है, और रिटायर हैं इसलिए हम उनको बार बार टोकते भी नहीं है, बहुत कथाएं सुन ली हैं उन्होंने। चौथा होता है सरोता, वो हर चीज में कमी निकालता है, वो व्यवस्था को देखता रहता है, ये कमी ये कमी ये कमी, खाली कथाओं में जाते हैं ये देखने के, अरे हुई होगी कथा में, ये नहीं जावा वो नहीं जावा। उन्होंने चश्मा ही कमी निकालने का पहन रखा है, चश्मा में गिलास काले लगा लो तो थोड़ा बादल से दिखने लगते हैं, काला काला दिखे, लाल लगा लो तो सब लाल लाल दिखता है। जो लोग कमी का चश्मा लगा लेते हैं उनको हर स्थिति में कमी कमी दिखती है। बाबा कहते थे बोले जैसा चश्मा लगा होगा वैसा ही दिखाई देगा। हम लोगों को सद्भावना का चश्मा लगाना चाहिए। ये क्या होता है? बोले हो सकता है कहीं कमी हो सकता है कहीं वहां बहुत अच्छा भी हो सकता है कोई हमसे ज्यादा बढ़िया कर रहा हो, और कोई ऐसा भी कर रहा हो कि हम जीवन में नहीं कर पाए, हो सकता है कहीं कुछ भी ना हो। सद्भावना का चश्मा होगा ना तो सब जगह हमको प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा, जो है वो बहुत बढ़िया, जो नहीं है वो भी बहुत बढ़िया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
परीक्षित से पूछा अब तक कथा सुनी उससे क्या सीखा। बहुत बढ़िया उत्तर दिया परीक्षित ने। साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो तत कर्म करो मनुष्य स्मरेत वसंतौ स्थिर जंगमेषु शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्ण। हे प्रभु वाणी वही पवित्र है जो भगवान के गुणगान गाती रहती है। सामाने वही बाघ माने वाणी यया माने जो तस्य माने उनके गुणान माने गुणों को ग्रणीते माने गाती है। हाथ वही पवित्र हैं जो उनकी सेवा करते हैं। माथा वही पवित्र है जो उनका स्मरण करता है और कान वही पवित्र हैं जो उनकी कथा सुनते हैं। शिरस तस्यो भयलिंग मन में तदेव यद पश्यति तद विचक्षु अंगानि विष्णो रथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। सिर वही पवित्र है जो भगवान के सामने झुकता है। जो सिर भगवान के सामने झुकता है उन्हें जीवन में कभी किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग करते हैं ना जय जय श्री राधे, क्या मतलब है? बोले आपके आगे हम समर्पण हैं। अब हमें किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान के आगे जो हाथ ऊपर कर देता है उसे जीवन में कभी किसी के सामने हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। आंख वही पवित्र हैं जो भगवान का दर्शन करती रहती हैं। शरीर के प्रत्येक अंग का सार्थक होना तभी है जब वो भगवान से जुड़ा हुआ है। आहा हे परीक्षित मैं धन्य हो गया, तुमको कथा सुनाना मेरा सफल हो गया। अब तक मैंने तुम्हें भगवान की कथा सुनाई, आज मैं तुम्हें भगवान के एक प्रिय भक्त की कथा सुनाता हूं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। दाम माने धन, दाम माने शरीर। जिन्होंने सुंदर देह धारण कर रखी है उनका नाम है सुदामा। हम सुंदर देह उसको मानते हैं, गोरा पीरा हो, हृष्ट पुष्ट हो, दिखने में सुंदर हो, ये भौतिक सुंदरता है। हमने देखा है कि बहुत सुंदर लोग हैं लेकिन स्वभाव के बड़े क्रूर होते हैं। वो बाहर से देखने में सुंदर हैं, अंदर से इंक्वायरी, अंदर से जांच पड़ताल, अंदर से ईर्षा, जलन कुड़न लगता है। खाली कवर बढ़िया पहन रखा है, अंदर मामला गड़बड़ है। सुदामा जी बाहर से भी अच्छे हैं और भीतर से भी सुमने सुंदर ही हैं, सुव्यवस्थित हैं। तीन गुण बतलाए जा रहे हैं सुदामा के, वो गुण हमें भी लाने चाहिए। पहला गुण बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी की कभी किसी चीज में आसक्ति नहीं थी। हमारी बहुत चीज में आसक्ति है, माला अच्छी लग रही है ले चलो घर में इसी के साथ में लगाएंगे। सबसे ज्यादा आसक्ति तो आजकल मोबाइल में हो गई है, थोड़ी बहुत देर में खोल के देखते रहते हैं। जैसे पहले छोटे बच्चे को देखते ना, कहीं सुसु तो नहीं कर ली, ऐसे इसको चेक करते रहते हैं, कुछ कर तो नहीं लिया। किसी के प्राण निकलने हो उसका मोबाइल छुपा लो, दोबारा लौट के आ जाएंगे। बहुत गड़बड़ काम हो गया। जितना मोह माया से दूर रहने के लिए कहा जाता था, इस मशीन के द्वारा और ज्यादा मोह में पड़ गए, बहुत ज्यादा माया में पड़ गए।
सुदामा जी को किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है, विरक्त है हर चीज से, जो है बहुत बढ़िया, जो नहीं है उससे ज्यादा भी बढ़िया। प्रशांत आत्मा, आत्मा से प्रसन्न रहते थे, मुस्कुराते रहते थे सुदामा जी। हम लोगों को भी मुस्कुराते रहना चाहिए। कितना भी खराब आदमी बैठा हो, जरा मोबाइल उसके सामने ऐसे कर दो, झट से एकदम से बढ़िया हो जाएगा, मुस्कुराने लगेगा। अरे फोटो आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहे हो, दीवार पे लिख जाए आप कैमरे की निगाह में, झट से हम सीधे हो जाते हैं, कैमरा देख रहा है। आदमी के बनाए हुए कैमरों का बहुत डर है हमको, अरे एक कैमरा है जो सबको देख रहा है, हर समय देख रहा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ कोई देख रहा है। हमारे बाबा के कमरे में खटखटा के नहीं घुसना पड़ता था, वो हर समय सा कैमरा के ही सामने रहते थे। कभी हमने ये नहीं सुना किसी को, दो मिनट बाहर रोको मैं जरा तैयार हो जाऊं, फिर भीतर बुलाना। जैसे हैं सबके सामने श्रीजी बाबा महाराज, पारदर्शी व्यक्तित्व था, कभी कोई कमरे में सांकर नहीं, कहीं ताला नहीं, कोई ठोकना बजाना नहीं, हर व्यक्ति ATM हर समय उपलब्ध है हरेक के लिए। सुदामा जी की भी वही व्यवस्था है, कोई छिपाना नहीं है किसे, कुछ बनना नहीं है, मेकअप करने का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। जिते इंद्रिया, इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा था, हर समय भगवान का भजन करते रहते थे। वैसी ही उनकी पत्नी थी, उनका नाम था सुशीला। नित्य प्रति भगवान की कथा अपनी पत्नी को सुनाया करते थे, भगवान की बहुत बढ़ाई किया करते थे। एक दिन पैर दबाते दबाते उनकी पत्नी ने सुदामा जी से कहा, ननु ब्रह्मन भगवत सका साक्षा श्रिय पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सातुतर्षभ। हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश ब्राह्मण्य हैं, मतलब ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हाँ करते हैं। शरण्यस्य, वो शरण है आए हुए, अपने शरण में जो भी आता है उसको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, हाँ ऐसे ही है। कहना क्या चाहती है? हे पति देव, मेरा मन है कि आप द्वारका जाएं, थोड़ा सा धन मांग करके ले आएं, बुढ़ापा हमारा आराम से बीत जाएगा। जो मांगने के लिए कहा, सुदामा जी नाराज हो गए, अरे राम राम राम, ये तो मैं क्या कह दिया, मान बढ़ाई प्रेम रस गरुआपन और ने, ये पांचों तब ही गए जब ही कही कछु देव। कोई हमारा सम्मान करता है, बड़ाई करता है, प्रेम करता है, हमको बड़ा मानता है, कब तक? बोले जब तक हम उससे मांग नहीं रहे हैं तब तक। मित्रन पे मांग वो कपूतन को काम है। यदि तुम ये कहती कि जाओ एक बार दर्शन करे आओ, तो मैं शायद विचार करता। मांगने के लिए कहती हो कभी नहीं जाऊंगा, गलती हो गई, क्षमा करना पतिदेव, आगे ऐसी कोई वार्ता नहीं होगी। थोड़े दिन बाद बात आई गई हो गई, एक दिन चरण दबा रही थी सुशीला, मन में विचार आया कि एक बार ये चले तो जाएं, ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, जान जाएंगे कि मैंने इनको क्यों भेजा है। हे पतिदेव, जिनका आप भजन करते रहते हो, जिनकी आप कथा सुनाते रहते हो, क्या आपका कभी उनके दर्शन करने का मन नहीं होता क्या? हाँ हाँ होता है ना। तुम्हारा मेरी इच्छा है कि आप एक बार श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाएं। आहा, आज बहुत बढ़िया बात कही सुशीला तुमने। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतेम दधे। आहा, जाने का मन तो है लेकिन खाली हाथ जाने में शर्म आ रही है सुशीला। चार मुट्ठी तंदुल, चार मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मांग करके लाई। चैल खंडेन तानवर्त्वा भ्रते प्रादादुपायनम सतानादाय विप्राज्ञ प्रियौ द्वारिकां किल।
कपड़े में चार मुट्ठी तंदुल बांध करके दे दिए, घर में कुछ चना भी थे चना दे दिए, रास्ते में भूख लगेगी खा लेना। दादाजी के जमाने का एक लोटा है जिसमें कई छेद हो गए हैं, वह भी दे दिया, बोले पानी पीने के काम आएगा। दुपट्टा में सब चीज बांध कंधा पे डाल, श्री सुदामा जी महाराज द्वारका जा रहे हैं। बड़ा रास्ता लंबा है, जीवन में कोई भी लंबा काम भारी काम कठिन काम करना पड़े, भगवान का भजन करते करते करना चाहिए, वो कार्य सरल हो जाता है। बचपन में बाबा हमें गिरिराज जी की परिक्रमा ले जाते थे, कहते बेटा चवड़ चवड़ करोगे बात करोगे ना आपस में, कांटा लग जाएगा, ठोकर लग जाएगी, कंकड़ लग जाएगा। और भगवान का भजन करते करते नाम जप करते करते परिक्रमा करोगे तो ना कांटा लगेगा ना कंकड़ लगेगा, और परिक्रमा करने के बाद थकान भी नहीं होगी। पहले माताएं घर में बुहारी लगाती थी, भगवत स्मरण करते हुए लगाती थी। पहले कुआं पे जल लेने के लिए जाते थे, जल लेके आती माताएं बहने कुछ ना कुछ भगवान के गुणगान गाती हुई आती थी। सुदामा जी भगवान की शक्ति श्री राधा रानी को ध्यान में कर करके चले जा रहे हैं। हम आप भी प्रार्थना करें हमें भी हमारी मंजिल सुदामा जी की तरह सहजता और सरलता से मिल जाए। सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं, रास्ते में बगीचा, बगीचे में कुआ, बहुत बढ़िया रमणीक स्थान था। सोचा चलो यहाँ बैठ करके चना खा लिए जाए, आओ थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, 15 मिनट की बात है, थोड़ा और भिजके बैठ जाएंगे, एसी तेज कर दो थोड़ा कम जगह में आ जाएंगे। चना खाए सुदामा जी ने, पानी पिया, पानी पी करके भगवान को प्रणाम किया, हे कन्हैया आपकी बड़ी कृपा है, कम से कम पानी पीने को तो मिल रहा है। जब हम और आप भोजन करने बैठे तो दो काम करने हैं याद करके, भोजन की थाली सामने आ जाए तो भगवान को प्रणाम करें, पहला काम, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कम से कम भोजन समय पर मिल रहा है। सारे कारखाने सारे भाग दौड़ जितनी व्यवस्था है किस लिए, बोले चैन से भोजन करने के लिए। सोने की थाली में पिस्ता की बर्फी रख के आए, और साथ में कोई कलेश करने लग जाए तो खाने का मन नहीं करेगा, बोले हटाओ नहीं खाना। जब देखो जब भोजन के समय पे झगड़ा होता है, नहीं करना ऐसा भोजन। एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, कालिदास और भोज राजा का संवाद है। राजा भोज ने कालिदास से पूछा अमृत कैसा होता है, आपने देखा है किसी ने? नहीं, कथाओं में सुना है काली। अमृत दही की तरह खाया जाता है कि माखन की तरह चाटा जाता है कि दूध की तरह पिया जाता है, नहीं मालूम, खाली सुना है। राजा ने कालिदास से प्रश्न किया अमृत कैसा होता है, कालिदास ने कहा चार चीज अमृत है आज के जमाने में, अमृतम राज्य सम्मानम, अमृतम तप्त भोजनम, अमृतम पुत्र पंडितम, अमृतम कृष्ण दर्शनम। राजा के द्वारा सम्मान किया जाए, अरे साहब उनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, लोग बढ़ाई करते हैं, जगह जगह उनका अभिनंदन किया जाता है, हर जगह उनको सम्मान मिलता है, खुशखुशी प्रसन्नता ही प्रसन्नता, उससे आयु बढ़ती है, अमृत से आयु बढ़ती है। अमृतम तप्त भोजनम, गरम गरम भोजन बिना किसी झगड़े झंझट के ठाकुर जी को भोग लगा करके सामने आ रहा है, समय पर भोजन करने को मिल रहा है, समझ लो अमृत है। सीधा इससे हमारे को एनर्जी बनेगी। व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया बात आती है, बोले टाइम पे घर जाओगे तो भोजन गर्म मिलेगा और घरवाली ठंडी मिलेगी, और देर से घर जाओगे तो घरवाली गर्म मिलेगी और भोजन ठंडा मिलेगा। अमृतम तप्त भोजनम, गर्म गर्म भोजन वो भी समय पर। तीसरा अमृत है पुत्र पंडितम, पुत्र हमारा आज्ञाकारी है, पढ़ा लिखा है, हमारे कहने में चलता है, ये अमृत है।
और चौथा अमृत है श्री ठाकुर जी का दर्शन, भगवान के दर्शन में मन लगने लगे, ठाकुर जी का दर्शन होने लगे, वही हमारे लिए अमृत है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चना खा करके सो गए, नींद लग गई, भगवान ने योगा माया को आज्ञा दी, ऐसा का ऐसा कुआ बगीचा द्वारका में बना दो। सुदामा जी की आंख खुली, चारों तरफ सोने के महल देखे, अरे भैया ये कौन सी नगरी है। अब गुजराती में तो है कुछ छह बोलते हैं, पंडित जी द्वारकापुरी छह। सुदामा जी टेंशन में आ गए, हमने तो एक द्वारका सुनी है, छह कहां से आ गई। यहाँ हमारे मित्र रहते हैं, क्या नाम है, बोले द्वारकाधीश। सीधे चले जाओ, सामने जो सबसे बड़ा महल है वही उनका है। सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, ए कहां जाते हो, बोले भीतर हमारे मित्र रहते हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहां ब्राह्मण की गति, कहां त्रिभुवन पति, कहां दोनों में मित्रता हो सकती है। अरे भाई क्या देख रहे हो, जाकर के कह दो कि सुदामा आया है, कृपा करेंगे तो मिल लेंगे और मना कर देंगे तो चले आएंगे, केवल एक बार जाकर के बता दो। द्वारपाल चला तो गया लेकिन भगवान से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या हुआ द्वारपाल, क्या कहना चाहते हो। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी, पग पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल एक, रहो चके सो वसुदा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही सुना सुदामा, भगवान दौड़ पड़े, कहीं पीतांबर कहीं लकुटिया, द्वार पर आकर के गले लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महलों में ले आए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, पटरानियों को आज्ञा दे दी, कोई लोटा में जल लाई, कोई परात लाई, कोई तौलिया, कोई इत्र, कोई पंखा, कोई कुछ। भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा को ऊपर बिठा दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा बालकांड में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला में आखिरी लाइन, यह चरित जो गावई हरि पद पावई ते न पड़ी भव कूपा। ठाकुर जी ने सत्य करके दिखा दिया कि हरि पद पावई, अपना पद छोड़ करके नीचे बैठ गए और अपने भक्त को ऊपर बिठा दिया। चरण धोने लगे, रुक्मणी जी ने देखा मिट्टी ज्यादा है, रेगड़ा रेगड़ी करने लगी, मित्र धीरे आ, क्या हुआ, बेवाइयों में कांटे टूट गए हैं, थोड़ा धीरे हाथ लगाओ चुभते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, भग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आये इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सोने के बर्तनों में दोनों मित्रों ने बैठ करके भोजन किया, एकांत में जाकर के बैठे, भगवान ने सुदामा के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर देना सुदामा, बचपन में निकल गया था, जाओ दरिद्री हो जाओ, हमारे कारण तुमने कितना कष्ट उठाया, आज मेरे पे जो धन है वो किसी पर नहीं है कमी है। जानते हो कन्हैया दरिद्री कौन है, कौन है, यस्य तृष्णा विशाल, जिसके हाय लगी है और आ जाए और आ जाए। मंदिर में जाते हैं तो मांगते हैं, दरगाह पे जाते हैं तो मांगते हैं, चर्च में जाते हैं तो मांगते हैं, जहां देखो वहां मांगने ही जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कभी कभी मिलने भी आया करो, हर समय मांगने ही आते हैं। जो हर जगह मांगता है वही दरिद्री है। सबसे बड़ा अमीर कौन है, स्वर्गापवर गयो कुंसाम रसायाम भवि संपदाम,
सर्वासाम सिद्धीनाम मूलम तत्करणार्थनम। जिसका मन आपके चरणों में लग गया वही सबसे धनवान व्यक्ति है, मेरे बराबर धनवान कोई नहीं है। बहुत दिन बाद आए, कुछ दिया नहीं, हमारी भाभी ने चावल देने में शर्म आ रही, भुजा में छुपा रख के भगवान ने भुजा खोली और तंदुल की पोटली सामने आ गई। ठाकुर जी ने गांठ खोली, एक मुट्ठी खाई और एक लोक की संपत्ति भिजवा दी, दूसरी मुट्ठी खाई दो लोक की संपत्ति भिजवा दी, जो तीसरी मुट्ठी खाई रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज अपने भी दो बाली बच्चे हैं, क्या वृंदावन जाके भजन करना है। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चित धारी, तंदुल खाए मुठी दुए दिन कियो तुमने दो लोक बिहारी, खाए मुठी तीसरी अवनाथ कहा निज वास की आस बिचारी, रंग आप समान कियो तुम चाहत आपन होन भिकारी। रुक्मणी जी छोड़ दो, नहीं नहीं महाराज आप छोड़ दो। सुदामा जी बोले हम जा रहे हैं, क्यों? किसी के घर जाओ पति पत्नी लड़ने लग जाएं तो चुपचाप खिसक जाना चाहिए, पता नहीं कौन की झूंझर किस पे उतर जाए। जा रहे हो सुदामा, हमने जो कपड़े पहनाए उन्हें उतार जाओ और अपने जो पहन के आए उन्हें ले जाओ। सुदामा जी चले चले जा रहे हैं, लेकिन अब उनके जहां गांव में घर था झोंपड़ी, दो लोग की संपत्ति वहां विराजमान है, बड़े बड़े ऊंची अट्टालिकाओं वाले महल हैं, सोने चांदी के बर्तन, हीरा जवाहरात के गहने, हाथी घोड़ा पालकी रथ मझोली नौकर चाकर, बहुत बड़ा वैभव हो गया है सुशीला जी। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया है, सारे स्टाफ को बिठा करके भगवान की कथा सुनाती हैं, सबको बिठा के भगवान का कीर्तन कराती हैं, अपने पति के बारे में बताती हैं। एक दासी ने आके बतलाया, जैसे आप अपने पति कहते हो वैसे पंडित जी तो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, महल की छत पर जाकर के बैठा, अरे वो बैठे हैं, लगता ये गए नहीं है, ये जाते तो इनकी भी सवारी बैंड बाजे के साथ आती, चलो तैयारी करो पंडित जी को लेने चलो। हल्ला मच गया, सावधान खबरदान, राजमाता जी पधार रही हैं। सुदामा जी घबरा में, राजपिता ने तो घरवाली छीन ली है, राजमाता पता नहीं कहां ले जाके डाले। बैंड बाजे बजते आई, गलीचा बिछ गए, चंदोबातन के सामने आके पालकी रुकी और बहुत सुंदर गहने आभूषण वस्त्र अलंकार पहन करके देवी जी उतरी, प्रणाम किया, प्राणनाथ। सुदामा जी पीछे खिसक गए, बोले प्राण ही तो रह गए नाथ, हे देवी दूर से बात करो। जो घूंघट उठाया, सुशीला तुम? जी हाँ मैं। इतना वैभव कहां से आया? यानी बताऊंगी, इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे, घर चलो। हे प्रभु जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब द्वारकाधीश की कृपा है, हमारे कपड़े उतरवा लिए चलते हुए, तुमको इतना दे डाला। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। सुदामा जी कभी सोने के बर्तनों में भोजन नहीं किए, कभी डल्लभ के गद्दा पर आराम नहीं किया, जैसे थे वैसे ही रहे। पत्नी ने पूछा, महाराज ये इतने धन का होगा क्या? अरे क्या होगा? सुशीला जा में कहा, लगे गो तेरो, कहूं हरि कथा, कहूं प्रभु सेवा, कहूं संतन को डेरो, सूर शाम कर घर को ठाकुर, आप होए रहे चेरो। धन नहीं था तब भी भजन उतना ही होता था, और धन आ गया भजन में कमी नहीं आई है। सुदामा तेरे से यही सीखना है, जिंदगी में बड़े अभाव आएंगे, भजन में कमी ना आ जाए, और जिंदगी में बहुत तरह के प्रभाव भी आएंगे तो भी भजन में कमी नहीं आनी चाहिए। यही कथा का विराम कर रहे हैं, आरती कुंज बिहारी की। कृष्णा जी बोले आरती। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। होकर
ਨੈਣੋ